अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, तो सरे थे पे सवेल दे रंग और मैं हाँ बिल्कुल आयशा, क्या हाल हैं तुम्हारे? ठीक ठाक हो? तबीता की में हैं और मेरे को उम्मीद है, मेरे को यकीन है तो सब बिल्कुल ठीक ठाक हो सो। और जी मौसम ने आदर ना अपना रंग बदल के दे और या सा सिख दे वदे यहाँ से बारिशा को मुल्तान दे लोग, या माशाल्लाह बारिशा ही बारिशा थी दे पहनते। बहरहाल अल्लाह करे कि जेडे बारिश हैं सारे वास्ते रहमत भाण के वसन थे ना कि जहमत। दुआ सा करे सूँ और आज भी जे शदीद शदीद जड़े ना सुबह जो ना एक तूफान जी आई और जल में को गली घिरन पुजी है 7:30 बजे की गाल है, तो वो टाइम बड़ी अंधेरी है आंधी है और मैं बड़ी परेशान थी गई। और ये मुमकिन कहना है कि तो शो न थी, यकीन शो तो थी ना ही आपड़े टाइम थे और मैं भी निकल पाई हाँ। और रास्ते में बारिश शुरू थी गई है और इतना पुजते पुजते अपने ऑफिस अच्छा खासी बारिश बरती, अच्छी खासी थी चुकी है और थी पई है। और लोग बाजे जो सवेरे सवेरे मेरी तरह निकलते ऑफिस वास्ते बड़ा इंजॉय भी करेंगे पैन, और कुछ जो बाइक के बेचारे लोग हर में रास्ते दे दिए हैं यहाँ वो कितने रोक के ते शेल्टर लभेंदे पैन के कितने जना बच बचा थी वने। और कुछ मंचले जो नौजवान हैं और बारिश में किटकिट खेलते हुए नजर आए मैं हैरान हम, कुछ लोग इंजॉय भी करेंगे नजर आए मेरे को। लेकिन बारिश में एहतियात बहुत ही जरूरी है, इंजॉयमेंट अपनी जगह पे है और असल लोग इंजॉय करेंगे पहले जो बारिश थी ना वो तो इंजॉय करेंगे, बाद जो हालात होने तो आपको पता है कि जो गलियां हैं महल्ले दे वो भरीज बने थे पानी के, गोरे गोरे पानी आवेंदे थे। लेकिन जल बारिश थी पई उन्होंने हर कोई इंजॉय करें क्योंकि गर्मियां की बारिश है पाई। लेकिन कुछ एहतियात करना भी बहुत ही जरूरी है। पहली एहतियात क्योंकि आज कल भी मैं न्यूज़ सुन रही पाई हम थे ऐसे सुनते रह गए कि बहुत जगह पे बच्चियां को करंट लगे और वी को ज़्यादा तकरीबन तादाद है जिन्हें डेथ थी चुकी है, जहाँ बाहर थी चुकी है। उनकी वजह क्या है? सिर्फ करंट लगना ये सिर्फ कह नहीं बल्कि बहू ही अगर सोचो तो अफसोस थी दे कि जब तक पता है कि जल बारिश आंदी है ऊँ वाले जो सदे क्योंकि लोहे के खंभे लगे उन्होंने करंट आवे दे दिया, तो वह असल लोग एहतियात क्यों नहीं करेंगे? क्यों अपने बच्चों को मना नहीं करेंगे कि बहर ना हो और गली मोहल्ले जो बड़ा खेत दिन थे पानी और गंदा पानी होंगे उनके नाल वायरस साला पानी होंगे तो पता है क्योंकि जरा रोड होंगे ते तो पता है कि कितने जानवर गुजरते पे होने थे उन्हें गंद होंगे थे रूटीन वाइज। और डिठा वाले अगर कोई ढहे वाले तो टेटनस के इंजेक्शन लगते पे होने, तो वाल तो सा क्यों भूल वेंदे कि उतना वायरस होंगे बैक्टीरिया पलते पे होने थे उन जगह पर उन इलाके में, तो जिते बारिश थी पी होती उतना बच्चे बड़े शौक न खेलते पे होने थे। सिर्फ यही नहीं कि बारिश नाल करंट लगन का खदशा होंदे थे बल्कि ये भी होंदे थे कि बहुत सारे बीमारियां लगन का भी खदशा होंदे थे। उवा ही बच्चे वा जल घर आने थे उवा पाँव लत पत चिकड़ विच होने थे वो अंदर वायरस और बीमारी घिन के आंदे पे होने वाला सा देते हैं कि बच्चे बीमार हैं बुखार थी चुके बच्चों को कहीं को मोशन है कहीं को इस हाल है, तो सारी रीजन यो है कि असं ई मौसम एहतियात नहीं करेंगे पे होंगे। कोशिश तो ये करनी चाहिए अगर इंजॉय इतना ही करने का मूड है तो घर छोटा अगर सहन भी है या छत है तुरी तो उतर सवान के बच्चे इंजॉय करो। क्या जरूरत है रोड पर आवन की? क्या जरूरत है सड़क की जिते खंबे भी लगे हुए थे और जिते करंट लगन का खदशा ज्यादा है पिया। हिं गलों ये बारिश के मौसम को इंजॉय करने के नाल नाल एहतियात करना भी बहुत ही जरूरी है। ये ना हो कि इंजॉय करेंदे करेंदे तो सा अपनी जिंदगी तो हाथ धो पाओ। एक कल मैं जरा न्यूज़ पढ़ी और मेरे को बड़ा अफसोस थी पिया कि सारे लोग जो हैं एहतियात नहीं करेंदे एहतियात बनते थे ऐसा इदारियां ते ब्लेम देते दे हैं शायद कसूर हो सी उन्होंने कोई तरीकेकार ही ऐसा है सारा कि अंडरग्राउंड सारी वायर नहीं थी हुई बिजली दी और खंबे लगे हुए थे सारे रोडा उत्ते या बहुत सारे कंट्रीज जिमें हैं मैं जिठे थी। लेकिन एहतियात करनी वह ही जरूरी है। अच्छा गाल है भाई कि सफाई का भी मुनासिब इंतजाम कहनी जल असर देते हैं कि बारिश आंदी है उनके नाल जगह जगह ते कीचड़ थी वेंदे इनके अलावा स्मेल जी अजीब जी है बैड स्मेल जी को आख सकते हैं बदबू जड़ी है वो फैल वेंदी है पूरे इलाके विच, तो उन वेले भी बहुत सारे सब लोग मसाइल का शिकार थे हैं। इंजॉयमेंट एक पास है लेकिन उन वाले सारे इंजॉयमेंट निकल आंदी है जब सबको घरों बह जल असर निकलते हैं और सबको रास्ता नहीं मिलता पे हों। बहरहाल ये मौसम करना क्या क्या है मैं चाहता कि अपने नाजरन को वाल दोबारा एक दफ़ा रिपीट कर देव क्योंकि पिछले दिन भी बारिश आई और मैं अपने नाजरन को दसाई क्योंकि मैं चाहनी हाँ कि जो मेरे भेन भिरा हैं जो मेरे को देते मेरे दोस्त
या मेरी सहेलियां जो उन्हें घर च हमेशा मैं सेहत रहा वो खुद भी सेहतमंद रहा थे, क्योंकि सेहतमंद हो सन तो मेरा मॉर्निंग शो देख सन थे, और अच्छी सेहत नाल हर चीज़ तक वो अच्छी ही लगती है। अच्छा करना क्या है कि बारिश के मौसम में एक तो सब्जी सलाद उन भी पे हम पिछले दिनों में गुफ्तगु की है कि तुसा हरी सब्जी सलाद के पत्ते वगैरह इस्तेमाल नहीं करने, इनकी वजह यह है पे कि जो तुसा बहरू परचेज करना वेसो, अगर घर में मौजूद है तो ठीक है पहले को ही पे, लेकिन बारिश जो तुसा परचेज करना वेसो तो जो वायर से मट्टी है धूल है गंद है वो सारा शामिल थी चुका होंगे सब्जी विच, या वाल अगर पकावनी भी है तो वाल एहतियात ज्यादा जरूरी है, ज्यादा भुनना जरूरी है को खाने को के तरह जो जर्म्स अच्छी तरह मर वन थे इन, मतलब इन पारो ख्याल रखना वो ही जरूरी है। इनके अलावा बहर दे गजावा तो अवॉइड करने थे, कोशिश करनी है कि ई मौसम विच बहर तुसा कुछ भी नहीं खावना, अक्सर लोग खाने थे और वाल उन्हें पेट खराब थी वेंदे, कोशिश करनी है कि लाइट नीम गर्म पानी का इस्तेमाल करना, लाइट नीम गर्म यानी जिम्मे चाय कॉफ़ी है ऐसा आख सकते हैं इनका इस्तेमाल बढ़ा रहे हो, नीम के पत्तियां है आखा वेंदे थी कि सिरका जड़ा है सेब का जड़ा सिरका है तो उसको भी इस्तेमाल कर सकते हो, ये भी तो बहुत सारे बीमारियां तो महफूज रखे देती है। अच्छा यो रिसर्च है ये जी मैं पढ़ती हाँ और मैं अपने नाजरीन नाल अपने भेड़ी नाल अक्सर शेयर कर रही होनी हाँ। अच्छा जी भेड़ी ये ख्याल रख रहे इन अलावा घर की सफाई का यकीन तो ख्याल रखना थी कि बच्चे जड़े हैं अपने जे मैं जो किचड़ में जूते घिन के वन थे या कोई भी हो जो बहर लहावन थे या फुटवेयर का इस्तेमाल तो दरवाजे करे सो ताकि जो घर तो साफ सुथरा आवे जो वायरस है अंदर ना आवे, और इन तरह के बीमारियां जिम्मे बुखार है साल है मोशन है पेट खराब है और बुखार है ये ज्यादा मर्ज जो ये मौसम लाक थे तो थोड़ा ख्याल रखना बहुत ही जरूरी है, घर की सफाई का ख्याल रखना बहुत ही जरूरी है क्योंकि घर में सफाई रखे सो और नाल अपनी डाइट का जो है वह भी ख्याल रखे सो खुराक का भी ख्याल रखे सो कि मौसम में कोई भी बहर की चीज़ नहीं खावनी, कोशिश करनी है जितना थी सकते बच्चों को आखो कि घर जो कुछ भी बना के दो घर में ही बना के दो और वाल सही मौसम को इंजॉय कर सकते हो। अच्छा कई पास इंजॉयमेंट होंगी है कई पास मैं अक्सर सोचेंदी पई होनी अक्सर बहुत सारे पोस्टर में सबको देखने को मिलते हैं कहीं घर की छत जड़ी है ढह पौंदी है अल्लाह माफ़ करे और बहुत सारे लोग जख्मी थी वे और या जहाँ बैक थी बहरहाल असा दुआ ही कर सकते हैं अल्लाह ताला उन्हें को अपने हिफ्ज़ हुमान विच रखे और खैर आफियत ना रखे क्योंकि कोई ना कोई उन्हें यानी लाजमी गाल है तो अल भी प्यारा हो सकते थे यही गलो इन मामले विच असा दुआ ही कर सकते हैं और एहतियात कर सकते हैं। नाल ही नाजन चलते पे असा छोटी ब्रेक ते किथे सारे नाल रास वेलकम बैक नाजरीन खुश आमदेद अक्सुता को सवेल दे रहेंगे और चलसा अपने मेहमाना वाले और सब को पहले तो मिलवेसा जनाब बिल्कुल डॉक्टर तलहा अशर नाल डेंटिस्ट हैं और लिखन लिखावन का भी ना कोई शौक है पिया अजकल छुट्टियां इंजॉय करेंगे पेन बारिशा इंजॉय करेंगे पेन। गुड मॉर्निंग और जी आया को क्या हाल है डॉक्टर साहब? ठीक ठाक थैंक यू। ठीक ठाक मैं बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा छुट्टियों के बाद थोड़ा बंदा जोशीला होते खैर है या जल्दी जगा देते से छुट्टियों में तो बंदा दोपहर को उठता जाके यानी जल्दी जगा देते से। अच्छा बारिश से चाहे कि मैं रहा बारिश खत्म थी चुकी है मेरे ख्याल इन टाइम 9 बजे खत्म थी चुकी बारिश तो आज माशाल्लाह मुल्तान में काफी अच्छी बारिश हुई है तकरीबन 1-1.5 घंटा बारिश हुई है बस उसके समय रात में ये कि लाइट भी चली गई बिल्कुल और रास्ते में जगह जगह पानी बिल्कुल पानी गोरे कोरे पानी है आज मुल्तान इसमें आ सकते हैं कि आवना बड़ा मुश्किल है पुजना बड़ा मुश्किल है सवेरे दा आ चुके हैं ऐसे क्योंकि 7:30 बजे दा ऑफिस आ चुके हैं ऐसे। अच्छा जी मोटिवेशनल स्पीकर भी इंसान नाल तारिक इकबाल साहब हैं खुश आमदीद गुड मॉर्निंग और जी आया को थैंक यू जी बहुत शुक्रिया। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह हाल तो ठीक है लेकिन शहर के हालात जो है ना वो थोड़े से अच्छा नेक्स्ट डिस्कस कर रही हूँ क्योंकि सब पहले दौर के लोग इवे होने मिलते हैं पहले हाल ही पूछते हैं अजकल तो हाल पूछने का रिवाज ही कह रही अजकल सलाम का भी रिवाज घट थी ना वेंदे थे है ना विद द पैसेज ऑफ टाइम चीजें बड़ी शॉर्ट होती जा रही हाँ लोग गुंगे भाड़ में थे अस्सलाम वालेकुम आखना भी बड़ा लोगों को है आजकल यूथ ही में थी गई है सिखाया नहीं था ऐसा लोगों ने बस वेस्टर्न ट्रेंड्स मगरबी तहजीब जो है ना उसको हेलो हाय हेलो अक्सर इशारा करें लोग बिल्कुल तो
थोड़े से हैं चैलेंजेस, लेकिन उम्मीद है कि आहिस्ता आहिस्ता। अच्छा, किवें एंजॉय कीता आंदे आदे इत्थे तक सारे ऑफिस तक तो एंजॉय कीता? वो आप वो कहते हैं कि आप बाइक पे हो तो आपको सिर्फ अपना ख्याल रखना होता है, गाड़ी पे हो तो अपना और गाड़ी का, लेकिन आज अपना गाड़ी और साथ वालों का भी ख्याल रखना, क्योंकि था ये कि अगर किसी को तेजी में पानी शानी गिर जाए तो हो सकता था रास्ते में कहीं पे रोक लेगा, अभी तक वही खड़े होते तो बड़ा चैलेंजिंग था आज जो है ना मौसम ड्राइव करना आज बड़ा ही है मुश्किल है पे, लेकिन ख्याल करना बहुत घट लोग ख्याल रख रहे हैं। तारिक साहब बहुत अप्रिशिएट करने वाली गल है कि लोगों का ख्याल रखना, लोग बहुत ख्याल, बिल्कुल ये तो जो है ना, क्योंकि वही बात है गोकुल और गोकुली बात के, आप जब इंसानों का ख्याल रखते हैं तो अल्लाह की जात भी आपका ख्याल रखती है। और एक ख्याल बहुत घर लोग ना देखे ऐसा, अगर गद्दी में सवार हैं तो जो मोटरसाइकिल पे वेंदे पेन थे, जो साइकिल पे हैं तो उन्होंने पानी या कीचड़ ना उछले, और ये लिहाज न एहतियात न ड्राइव करना, क्योंकि अभी देखें सुबह ऑफिस का टाइम था जब हम आ रहे थे, ज्यादातर लोग वो थे जिन्होंने अभी ऑफिस और शाम तक उन्हीं कपड़ों में बैठना है, तो आप अगर बिल्कुल थोड़ी सी बद एहतियाती करें तो उस बेचारे का सारा दिन, और फिर माशाल्लाह हमारे लोग जो है नमाज वगैरह का ख्याल, तो आपके एक मरतबा कपड़े खराब हो जाए तो फिर ये जो है इस तरह फिर वो जोश भी नहीं रहता। अच्छा, बड़ा असर है जारी सारी ड्रेसिंग है इन दिन वजह ना ऐसा बड़ा मतलब एक एक्टिव थे के काम करने में माइंड रिलैक्स होने थे अगर अच्छी ड्रेसिंग की, बिल्कुल आपकी जो पर्सनैलिटी है उसको शो करती है, जो आपकी अच्छी जो ड्रेसिंग है ऑब्वियसली आपको कॉन्फिडेंस देती है, और अगर आपने अच्छी ड्रेसिंग की और किसी ने कुछ बारिश के छींटे गिरा दें तो आपका जो सारा कॉन्फिडेंस है वो शेक हो जाता है, तो ये सारी चीजें जो है ना एक दूसरे के साथ लाजम मलजूम। अच्छा, आजकल कमर्शियल माजर में कमर्शियल नाथ नहीं घिनती, लेकिन ऐसे ही होने थे दाग लगे होने थे और उनके बाद कितने मतलब तारीफ थी पाई होंगी कि भाई दाग जी बेहतर है फलाह है फलाह फलाह है, तो वाकई ऐसा होते थे रूटीन वाइज ऐसा बिल्कुल नहीं होता। नहीं, वो जो दाग हैं वो तो एक तो उन्होंने ऑब्वियसली कमर्शियल बनाना होता है इसलिए, दूसरा कुछ सीखने में अगर कुछ है ना, मतलब अगर आप कुछ खेल रहे हैं आपने स्लाइड किया और आपकी शर्ट या ट्राउजर पे घास का निशान लग तो वो तो अच्छा, फिर वो ड्रेस भी ऐसा होता है कि उस पे निशान लग भी जाए तो ट्राउजर वगैरह पे वो फील नहीं होता जीन्स वगैरह, लेकिन अगर आप प्रॉपर ड्रेसिंग में टू पीस थ्री पीस या आपने वो किया हुआ ऑफिस का उस पे कुछ हो जाए तो फिर तो बेगम वॉश कर ना तो अच्छी तरह वॉश करे पर ऐसा भी नहीं होता अल्टरनेट कि आपके पास गाड़ी में इवन बाइक पे भी आप एक्स्ट्रा तो कुछ नहीं रख सकते, घर से प्लान करके तो कोई नहीं निकलता कि आज मेरी शर्ट या जो है वो ट्राउजर का कुछ इशू हो जाएगा तो मैं कुछ एक्स्ट्रा कैरी कर लेता हूँ। अच्छा, ड्रेसिंग के मामले भी हो मतलब बड़े केयरफुल रहते हो? हाँ बिल्कुल, प्रोफेशन यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ यूनिवर्सिटी में, और ये मोटिवेशनल तो जैसे आप दिखते हैं वैसे ही लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि आप वैसे ही बोलते होंगे और वैसे ही करते होंगे, तो एक बहुत बड़ा जो है ना ये भी एक होती है। बल्कि आज सुबह जब बारिश शुरू हुई तो मुझे यही था कि किसी बारिश खत्म हो जाए ताकि गाड़ी तक पहुंचने और फिर यहाँ तक पहुंचने में जितना मसला ना हो, वरना जो है वो कुछ भी अजीब सा लग सकता है। डॉक्टर तलहा, कितना एंजॉय कर रहे थे छुट्टियां एंजॉय कर रहे थे पिछले बल्कि हफ्ते ऐसा फोन किया है, पता चला कि डॉक्टर तलहा जो छुट्टियां थे और मैं हैरान है कि डॉक्टर भी छुट्टियां घेरने वैसे बहुत घाट नजर इटे से डॉक्टर हजरत अपने वास्ते भी टाइम कढ़ेंदे हुए थे। बस ये अल्लाह का शुक्र है कि जिस शोबे से मैं ताल्लुक रखता हूँ, मैं टीचिंग में भी हूँ, मतलब जो निस्तर में स्टूडेंट्स जो बीडीएस के हमारे होते हैं, जो डेंटल स्टूडेंट्स हैं जो आगे डेंटल डॉक्टर्स बनेंगे, उनकी टीचिंग में भी हूँ, तो टीचिंग साइड पे हमें थोड़ा सा ये एज है कि जिस तरह एजुकेशन डिपार्टमेंट होती हैं वेकेशन, तो उसी तरह हमारी भी वेकेशन होती हैं, समर वेकेशन होती हैं, तो ये एक रिलैक्सेशन है, इसमें घूम फिर सकते हैं। अभी हम इस्लामाबाद भी होकर आए, मरी होकर आए, और वैसे फिर घर में भी जो सबसे बेस्ट है वो तो है कि अपनी नींद पूरी करें, फैमिली को टाइम दें, क्योंकि फैमिली इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इन लाइफ। तो बाकी जो जैसे ये बता रहे थे कि अभी आए हैं, तो आप अब तो यही हाल है ना मुल्तान के, पूरे पाकिस्तान का ये हाल है कि जैसे थोड़ी सी बारिश हो गई तो सड़क तो दूर की बात है, घर के आगे भी इतना पानी खड़ा हो जाता है कि आप घर से निकल कर कन्वेंस तक नहीं जा सकते, गोरे गोरे पानी। अच्छा, असा जो जॉब वाले लोग हैं या जिन्होंने लोगों ने काम थे उन्होंने वहां से तो बड़े ही मुश्किल होते थे ये मौसम में निकलना और बड़ी एहतियात करके निकलना, लेकिन जो बच्चे होने थे खुदा पूछे ना को पानी में खेद नजर आ रहे थे, इंजॉय करते नजर आ रहे हैं, और तक मैं दसें पे हाल ही बारिश बहुत सारे बच्चे जो जहाँ भाग हुए थे कल भी डूब भाई की डेथ थे बारिश खेद यानी कि करंट लग गए थे, तो एहतियात कितनी जरूरी है, तो सब लोग ज्यादा से तो ज्यादा बेहतर लोग समझे कि बच्चों को घर खेलने फोर्स करो कि घर घर तक खेलो, छोटा जहाँ सहन उतना खेल गए ये मौसम एहतियात जरूरी है। अच्छा, आजकल आप देखें कि ये पहले तो बड़ी अफसोसनाक बात है कि ये जो
बारिश और बिजली और ये हादसा जो हो रहे हैं, इसमें कराची में के इलेक्ट्रिक बाकी इदारों की भी जिम्मेदारी है, लेकिन ये बहुत ज्यादा जो बारिश है ना, ये नागहानी आफत है, इसको आप रोक नहीं सकते। ठीक है, ये अगर अमेरिका में भी हो जाए, भी न्यूयॉर्क में था, वहां पे भी रोड्स पे जो है ना वो इसी तरह होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर कोलैप्स कर जाता है। लेकिन मैं हैरान इस बात पे हूँ कि मोबाइल के दौर में भी बच्चे बाहर जा रहे हैं। अब तो इंडोर ही सारा कुछ होता है ना, बच्चे मोबाइल पे गेम्स देख रहे हैं या वीडियोस देख रहे हैं, फिर बाहर जाने की जो है ना वो क्या। तो पेरेंट्स को इस मौसम में, जिस तरह आज मुल्तान का मौसम है, तो पेरेंट्स को तो चाहिए कि बच्चों को घर में, और छुट्टियां बच्चों की ज्यादातर स्कूल ज्यादा गोइंग बच्चों की छुट्टियां हैं, आप बांध के बिठा लें। ये देखें, जान से ज्यादा कीमती तो कोई चीज नहीं है ना, तो जितनी आप सख्ती कर सकते हैं वो करें, और कोशिश करें कि अगर ट्रैवल करना भी है कोई बड़ा चला जाए, क्योंकि बड़ा एहतियात करेगा। बच्चों को उनके कॉन्शियस में ये चीज नहीं होती कि बिजली का पोल है उसमें। अच्छा, अभी मैं आ रहा था तो लाइट फ्लक्चुएट कर रही थी, वो ज्यादा डेंजरस है, कम ज्यादा हो रही है, कम ज्यादा हो रही है। आप घर से निकले, लाइट नहीं है, रास्ते में आ गई, आपको नहीं पता, आपने गुजरने के लिए पोल को पकड़ा, और तो इसलिए वालदैन की मेरे ख्याल में बहुत ज्यादा जिम्मेदारी है कि वो बच्चों को समझाएं भी, और जितना हो सकता है घर लॉक लगा सकते हैं लगाएं, क्योंकि बच्चे की जिंदगी ज्यादा। बिल्कुल, अच्छा सिर्फ बच्चे नहीं, बड़े को भी एहतियात करने की बहुत जरूरत है भाई। मैं आंधी पे थे पोल दे नाल, एक साहब जने गधा बात के तो थे ही लेटे पे हां थे, ते करंट आ सकते थे जब तो अपनी रेडी को खुले सो, तो मतलब ये चीजें एहतियात बहुत ही जरूरी है। हाँ, इसमें हम देखें मीडिया पे हैं, हम भी अपना रोल जो है ना कि मीडिया के तवस्सुत से कि आम आदमी तक जो है ना ये बात पहुंचे कि बारिश जो है उसके बाद, ये मजाक नहीं है, मतलब जान जो है वो गेम की तरह नहीं होती, आप चलेंगे और दोबारा वो सिपाही मर जाएगा, दोबारा आ जाएगा, मतलब रियल लाइफ है, और एक ही मर्तबा अल्लाह ताला ने आपको तोहफा दिया, तो इसकी कदर करनी चाहिए जितनी हो सके। तो करंट से, इन चीजों से कोशिश करनी चाहिए कि खुद भी अवॉइड करें, बच्चों को बिलखसूस, इसलिए क्योंकि वो थोड़ा ना समझ होते हैं, और बाकी मीडिया तो कर ही रहा है, ऑब्वियसली हम लोग तो कह ही रहे हैं कि जी इस सिलसिले में। अच्छा, आज जो मेन सारा मौजू है पे, वैसे तो सब बारिश ही चलता रहा से, बारिश ही है सारा, थोड़े एहतियातन देते गाल भी ऐसा करे सो कि एहतियात कितनी जरूरी है, और वक्त फवक्त ऐसा कोशिश करे सो कि अपने बहने को भी दसें दे रहा हूँ कि वो भी बच्चों को आख सके घर में चला वैनते, घर में तो सब उनको इंजॉयमेंट का सामान मुहैया कर रहे हो ताकि बच्चे बाहर ना वन ई सिचुएशन कंडीशन, और गैर जरूरी तो मैं सफर करना ही नहीं चाहिए, ई जी कंडीशन होती है इनके हाईवे पे भी अवॉइड करना बहुत ही जरूरी। बिल्कुल, अभी डॉक्टर साहब बता रहे थे, डॉक्टर साहब मरी इस्लामाबाद, मैंने लास्ट वीक प्लान था फैमिली के साथ, क्योंकि छुट्टियां भी, लेकिन आखिर मैंने कि पोस्टपोन कर दे, वो बड़ा आजकल हाँ, चल रही है कि हम लोग लाहौर जाना था, तो मैंने देखा लाहौर जाने से तकरीबन आधा घंटा पहले टीवी ऑन किया तो वो आ रहा था मीडिया पे ना कि बहुत ज्यादा बारिश है, और रास्ते बंद थे, तो मैं लाहौर के बजाय इस्लामाबाद चला गया, क्योंकि वो मोटर वे है, थोड़ा सेफ है, और फिर वही टूर जो मेरे ख्याल में डॉक्टर साहब के साथ ही जो है ना शायद, तो इनकी बात बिल्कुल ठीक है। अभी फैसलाबाद से भी तकरीबन 15-16 डॉक्टर्स थे, वो अंदर के नॉर्दर्न एरिया साइड पे गए हैं, तो लैंडस्लाइडिंग हुई है और अभी तक उनका कुछ पता नहीं है। अलाइड हॉस्पिटल से जो है ना, उनका कुछ पता नहीं है, तो अल्लाह ताला उनको महफूज रखे। ये बहुत, दूसरा जो बात आप कर रहे थे उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर की बात भी है, जैसे हमारे जो शहर हैं वो अनप्लान्ड है, मतलब जहाँ पे प्लॉट है आपने घर बना लिया, फिर गवर्नमेंट ने भी उसी तरीके से पोल भी अक्सर लोगों के घरों के बीच आने ऐसा भी है, और तारे गेट के आगे से गुजर रही हैं, गेट के बल्कि वो क्रॉस करके ले जाते हैं। अभी हमारे सामने घर कंस्ट्रक्शन हुई है, तो मुझे एक उनकी बड़ी अच्छी बात लगी है कि जब उन्होंने कंस्ट्रक्शन स्टार्ट की है तो पहले वहां से तारे गुजर रही थी बिजली की, तो उन्होंने काफी वो मोटी सी मोटा सा पाइप है वो इंसुलेटिंग पूरा पाइप उन्होंने वायर्स पे खुद लगवाया उन्होंने। तो ये हम हर चीज देखते हैं ना गवर्नमेंट की तरफ कि हुकूमत इसमें काम करेगी, हुकूमत लगाएगी, तो ये नहीं हो सकता कि हर घर में वो इतना कुछ कर सके, क्योंकि आप अब टैक्स की बात भी फिर आगे आ जाएगी कितना टैक्स हम पे करते हैं, तो नहीं, अब तो ले रहे हैं, अब ले रहे हैं तो अच्छी बात है, अभी सारी चीजें प्रोवाइड भी करना बनती है, अभी उन्होंने लेना शुरू किया, हमने भी देना नहीं शुरू किया, हम खुद भरने की कोशिश करते हैं। तो हमें पर्सनली भी अपनी सेफ्टी के लिए, बच्चों की सेफ्टी के लिए अगर हम ये काम कर सकते हैं, हर कोई अपने घर के सामने कर ले तो ये काफी बेहतर होगा, क्योंकि बारिश तो होती रहती है। बिल्कुल बिल्कुल, एहतियात वो ही जरूरी है। अच्छा, एक किताब भी लिखी है डॉक्टर तरह साहब, कुछ देर बाद किताब भी तगड़ी लिखी है, कुछ उन्हें हवाना भी से बुक लिखा, शौक तो पुराना शौक है, मेरे को पता है, तो हम जी बुक लिखी है कि मौजूद है लिखी, कुछ दस लिखने का शौक तो मेरा बचपन से ही है, लेकिन अब जिस तरह से मेरा शोभा है डेंटल सर्जरी का शोभा है मेरा, तो उसमें मैंने फिर ये सोचा कि इतना पढ़ने के बाद, FCPS करने के बाद, अब कुछ ऐसा प्रोड्यूस किया जाए ताकि लोगों को बेनिफिट भी हो। तो उसमें फिर मेरा एक प्रोजेक्ट था, मैं फ्रीलांसिंग भी करता हूँ ऑनलाइन बाहर, जिस तरह से अमेरिका, यूएसए, यूके, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इस तरह कुछ मेरे क्लाइंट्स हैं ना,
तो फिर उनके साथ मिलके मैंने एक जर्मन है, वो जर्मनी के पब्लिशर हैं लैम्बर्ट पब्लिकेशंस, तो एक डायबिटीज मेलिटस पे शुगर का मर्ज आपको पता है कि इतना आम हो चुका है कि इस वक्त तकरीबन 500 मिलियन जो लोग हैं और हर घर छे का अफराद तो जरूर है जो शुगर पेशेंट हो। 2000 में से कहते हैं कि तकरीबन 100-150 लोगों को शुगर है, बल्कि अब इससे भी ज्यादा शायद होगा स्टैट्स जो है ना। तो फिर मैंने उस पे सोच के जो शुगर के और डायबिटीज मेलिटस के जो इफेक्ट्स आते हैं आपके दांतों पर और मसूड़ों पर उनके ऊपर कोशिश की है कि लोगों के अवेयरनेस के लिए एक छोटी सी बुक लिखी है, ठीक तो वो फिर उन्होंने पब्लिश किया। और यकीनन ऐसा भी लोग जानना चाहते हैं, सारे लोग जानना चाहते हैं कि जो शुगर पेशेंट है वैसे तो बहुत सारे एहतियात बढ़ दी बहुत सारे बीमारियां बच्ची उन्होंने को होंगे हाई ब्लड प्रेशर होता है मसला हक जो है कई वे आईज अखियों के मसले उन्होंने लोगों को उन्होंने मतलब बहुत सारे मसाइल शुगर के 5-6 मेन कॉम्प्लिकेशंस हैं जो जिसको शुगर है वो हो सकती है, आंखों पे असर हो सकता है, आपके गुर्दों पे असर भी हो सकते हैं, ठीक है, और डायबिटिक फुट आपने सुना होगा पांव के ऊपर, उसके अलावा शोल्डर पेन भी बहुत सारे लोगों को होंगे जिन्हें को शुगर होंगी अक्सर फ्रीज शुगर उन्होंने शोल्डर फ्रीज थी ये भी होता है। तो उसकी मेन वजह ये भी है ना कि जिसको भी शुगर है ना उसकी जो कुत मुदाफियत है वो भी कम हो गई है और कहीं जख्म लग गया है तो उसको भरने में भी वक्त ज्यादा लगता है, बिल्कुल, तो इस वजह से तकरीबन पूरा जिस्म आपका मुतासिर होता है, इवन आपका जो दिल है उसके ऊपर इफेक्ट पड़ता है। जो शुगर का मरीज है अगर उसको हार्ट अटैक हो रहा है तो वो बता भी नहीं पाता क्योंकि उसमें दर्द नहीं होगा, उसको वो अंदर ही अंदर हार्ट अटैक होता जाता है और ऐसे मरीजों में ज्यादा चांस होते हैं हार्ट अटैक होने। अच्छा कितना टाइम लगा बुक लिखते हुए, रिसर्च वर्क है सारा? हाँ जी, बुक लिखने में 2 बुक्स हैं वैसे, एक और भी मैंने किताब सेम पब्लिशर्स के साथ की है जिसमें तकरीबन 75 जो ओरल डेंटल डिजीजेस हैं उनके ऊपर इनके छोटे छोटे डिस्क्रिप्शन हैं वो, ठीक है, ऐसा भी जानना चाहते हैं कि डिजीजेस ये तकरीबन 2017 में किताब ये पब्लिश थी, टाइम तो इसको लगा 2015 से स्टार्ट की हुई थी और फिर उसके बाद 17 में पब्लिश हुई, ठीक है, रिसर्च वर्क करेंगे करेंगे टाइम लगता है, बिल्कुल टाइम तो लगता है, मेरा शोभा भी है ना, नहीं एक स्टोरी तो नहीं कि स्टोरी बैठा और सोचा और लिख दिया पता नहीं इस महीने में, नहीं नहीं इसमें तो पहले पढ़ना पड़ता है, फिर आप मरीज देखते हैं, फिर उसके मुताबिक आहिस्ता आहिस्ता आप डिवेलप करते हैं, पहले उसको नोट डाउन करते जाते हैं, फिर डिस्कस भी होता है डिफरेंट मतलब जो एक्सपर्ट्स हैं डिस्कस करके फिर रेफरेंसेज आते हैं, तो टाइम तो लगता है। सही, और जो हूँ किताब लिखी है कितना टाइम लगता है? शुगर पेशेंट्स 2 साल लगे लिखने में, ठीक है, और 2017 में ये पब्लिश हुई है, अवेलेबल भी है, ऑनलाइन भी अवेलेबल है, amazon.com पे है, morebooks.com भी है, वेबसाइट्स हैं, डिफरेंट वेबसाइट्स पे भी है। इसके अलावा मैंने ये कोशिश की है कि जितना मतलब नॉलेज है इंसान को चाहिए कि वो सबको बताए, एक तो ये होता है ना कि हमारे पास मरीज आया क्लिनिक पे आया या हॉस्पिटल में आया आपने उसको गाइड किया वो एक रेंज कम हो जाती है, जो आपके पास मरीज आएगा आप उसको भी बता सकते हैं, ठीक है, लेकिन आजकल का दौर है सोशल मीडिया का, आपको पता है फेसबुक है, यूट्यूब है, ट्विटर है, तो फिर मैंने कुछ अर्सा पहले 3-4 साल पहले एक तो मैंने फेसबुक पे अपना पेज बनाया था, ठीक है, अब उसके तकरीबन हैं सब्सक्राइबर्स हैं 2500 अपने नाम से, तलहाशर के नाम से, तलहाशर कंसल्टेंट एंडरसन के नाम से 2500 उसके हैं सब्सक्राइबर्स, तो उस पे मैं डिफरेंट किस्म की जो बीमारियां हैं दांतों की जो मशवरे हैं कुछ पोज वो मैं अक्सर करता रहता हूँ, तो लोग उस पे भी इन्फॉर्मेशन लेते हैं, मैसेजेस भी आते हैं। उसके अलावा मैंने 2-3 साल पहले अपना यूट्यूब का चैनल बनाया था, तलाशर डेंटिस्ट ऑफिशियल के नाम से, ठीक है, लाइव वीडियोस उस पे वीडियोस भी लगाई हैं कुछ, अब स्टार्ट किया मैंने कि पार्ट 1 पार्ट 2 करके ना डेंटल अवेयरनेस सीरीज के नाम से, डेंटल एजुकेशन एंड अवेयरनेस सीरीज के नाम से, तो वो काफी मतलब उसका यूट्यूब के थ्रू आजकल बच्चे बड़े फायदा चेंज कर जी है ना, बहुत डिफरेंट लेक्चर जड़े हैं जड़े बच्चों को क्लास नहीं समझ आते पे होंगे में बख्तावर बैठे होंगे और अक्सर यूट्यूब के थ्रू समझते बैठे हैं, बड़ा ही मतलब एक इनकम अर्निंग भी है ना, बिल्कुल है, उस पर मोनेटाइजेशन का ऑप्शन भी है, वो एक सर्टेन नंबर अगर आपके व्यूज उससे ज्यादा हो जाते हैं सब्सक्राइबर्स हो जाते हैं तो ऑब्वियसली वहाँ वो हो जाते हैं। अभी मैं कल देख रहा था कि शुएब अख्तर बड़े मशहूर हमारे क्रिकेटर हैं, उनके उन्होंने वर्ल्ड कप के दिनों में अपना यूट्यूब चैनल बनाया और इस वक्त उनके सब्सक्राइबर्स 1.5 मिलियन 15 लाख और वो रेगुलर जो है ना वो कह रहे हैं, वो अभी मोटरवे पे उन्होंने पूरा जो है वो खुद ही मतलब उनका आजकल बहुत सारे सेलिब्रिटीज मतलब हमारा जो आम मीडिया है जिस तरह टीवी और बाकी वो आम सोशल मीडिया पे भी जो है ना बड़ी और इस यूट्यूब के अलावा इंस्टाग्राम और ट्विटर मतलब और अब तो छोटे बच्चों के बड़े चैनल्स यूट्यूब पे जो है ना, मैंने 2007 में अपना चैनल यूट्यूब पे बनाया था तो अभी अपने बेटे के साथ जो है ना मैं कोशिश कर रहा हूँ जिस तरह आप कह रहे हैं वीडियोस अभी टिकटॉक बना रहे हैं, नहीं टिकटॉक नहीं टिकटॉक तो बिल्कुल नहीं, वो तो टोटली डिफरेंट जो है ना, मतलब मैं थोड़ा सीरियस कॉन्टेंट ना मतलब वो बच्चे का ही लेकिन अच्छा जो है वो अभी जिस तरह शहर पे गए थे तो मैंने एक दो अच्छे कैमराज जो है ना गोप्रो लेके
तो मोटरवे और मरी का वो सारा मैंने शूट किया, बल्कि रात में एडिटिंग भी कर रहा था और वो उस पर बड़ा अच्छा जो है बेटे के साथ क्या टैलेंटेड है माशाल्लाह बच्चा। हाँ जी वो उसको छोटा है अभी 4 साल का है तो, लेकिन उसको शौक है। तो मेरी ख्वाहिश ये है कि बच्चों को हम टेक्नोलॉजी के बारे में, जैसे आप कह रहे थे ना डॉक्टर साहब कि डेंटल जो है ना हेल्थ उसके बारे में अवेयरनेस, मीडिया और सोशल मीडिया के बारे में भी आप बच्चों को अगर खुद अवेयरनेस देंगे ना तो बहुत सारी बुरी चीजों से बच सकते हैं। तो क्योंकि मीडिया तो बहुत ओपन है ना, तो बजाय कि बच्चे को आप खुला छोड़ दे। अब मेरा जो बेटा है वो यूट्यूब पे अपनी वीडियोस जो है ना वो देख के और वो उसको वो होता है उसका अपना चैनल सब्सक्राइब, और अक्सर मैं वीडियो बनाऊं तो मुझे फौरन कहता है कि यूट्यूब पे नहीं आ रही, मतलब मैं फौरन उसे अपलोड करूं ताकि वो जो है ना उसको वहां से देखे। तो आप मीडिया भी बच्चों को जो है ना हमें सिखाना चाहिए कि बेटा इसका, और फिर हमें कंटेंट क्रिएट करना चाहिए, मतलब हमें पैसिवली नहीं वो होना चाहिए कि हम यूट्यूब पे वीडियोस अब डॉक्टर साहब बना रहे हैं, बहुत अच्छी चीज अवेयरनेस है। अच्छा इसमें आप दुनिया और आखिरत दोनों ही जो है ना वो करते हैं, एक लेगेसी है आपकी जो आप छोड़ के जा रहे हैं कि यार ओवर द इयर्स ये मैंने कंट्रीब्यूट किया टुवर्ड्स सोसाइटी और लोगों को ये जो है ना मैंने अवेयर किया। यानी एक एम दे नाल कोई काम करना, एक मैं आध्या कोई तको मतलब एक टारगेट है जी को या एक गोल है जी को अचीव करें दे हो। लेकिन आजकल ऐसा दे दे हैं बहुत सारे प्रैंक बने ने था भी बॉयज बने जी ना कोई मकसद नहीं है, मकसद होने थे और अजीब और गरीब होने थे, ये लोगों को कॉपी ज्यादा ओवरनाइट आजकल ये सबर नहीं है। अब देखिए डॉक्टर साहब माशाल्लाह आप डॉक्टर बने, FCPS किया ऑलमोस्ट अ डेकेड जो है ना आपको एजुकेशन में, अच्छा अब वो अच्छा मतलब एजुकेशन में उसके बाद फिर एक्सपीरियंस ना आपका, तो एक दिन में तो ये नहीं ना हुआ। अब वो दो लोग सब्र नहीं करते, वो कहते ओवरनाइट कुछ ऐसा करें, यूट्यूब पे आप चले जाओ कहते वायरल वीडियो कैसे बनाई जाती है। हाँ। मकसद है वायरल होना, मतलब वायरल कुछ भी लगा दो कुछ भी कर दें। हाँ। और लोग अच्छा अभी ये टिकटॉक इंडिया में तो बैन कर दिया उन्होंने जो है ना, तो सोशल मीडिया में अब सेल्फीज लेते हुए बहुत से हादसात, बहुत सारी चीजें, ट्रैक्स पे आप दरिया के किनारे आप इधर उधर खड़े हैं सेल्फी लेते हो, आप कभी भी नहीं देख सकते कि आप सिक्योरिटी वाइज आप किस जगह पे जो है ना वो ज्यादा सेफ है। तो कोशिश करें, मतलब एक मैसेज ये भी है हमारे आज के इस प्लेटफॉर्म से कि सोशल मीडिया को यूज करें लेकिन प्रोडक्टिव करें। बिल्कुल, सेल्फी घिंदे घिंदे लोग ट्रेन दे तले आ गए, पता है अक्सर लोग ट्रैक के उत्ते खड़े होते थे और बड़े दी मजे और सेल्फी भी खींचते पे होने, तो सेलिटी भी होती बाकायदा दिखाई भी, और पीछे ट्रेन आ गई है और ये सेल्फी के चक्कर गए, दीवारों से गिर जाते हैं, पहाड़ियों से गिरी है, मरी जाके बहुत सारे खवातीन ने भी ये एक्सपेरिमेंट किए थे स्टैंड असाक्स। हाँ, तो ये नहीं होना चाहिए। अब अच्छा वही ना, अवेयरनेस ऑब्वियसली देनी चाहिए, इस सोशल मीडिया को यूज कैसे करना, मेरे ख्याल में इस पे ज्यादा वीडियोस बननी चाहिए क्योंकि ये जो है ना अचानक, अच्छा फिर अजीब अजीब से स्टंट्स करके अपनी जिंदगी को रिस्क में लगा के, जिस तरह अभी हम बात कर रहे थे ना कि बारिश के पेरेंट्स को बच्चों का ख्याल वो करना चाहिए कि जी बच्चों, पेरेंट्स को मेरे ख्याल में सोशल मीडिया भी थोड़ा सा जो है ना वो देखना चाहिए, ये बच्चे जो है ना वो अपने कमरों में या मोबाइल के साथ थोड़ा सा इस मामले में भी, क्योंकि ये सोशल मीडिया के जो है ना पॉजिटिव डायरेक्शन वो बहुत जरूरी है। ठीक है, मजीद गुफ्तगू करें सोशल मीडिया को मजीद बेहतर तरीके नाल कैसे ऐसा यूज कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं जनाब, छोटी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, खुश आमदीद दर्शकों को सवेल दे रहेंगे और गल थी पे सोशल मीडिया का इस्तेमाल, पॉजिटिव इस्तेमाल और नेगेटिव इस्तेमाल कि पे, और सारे बहुत सारे एक्टर और एक्ट्रेस भी इस्तेमाल कर रहे थे सोशल मीडिया को अपने मफाद में, माजत कितने आखा वे थे जिन्हें कि मोहसिन अब्बास तक है सारा और सोशल मीडिया से आना, बहुत सारे फैमिली मैटर्स जो होने से देते हैं इन लोगों के ज्यादातर नजर आने थे जब बाद सॉल्व भी थी वन थे, लेकिन मतलब एक हाइप और एक बस वो अब आप कहें ना सोशल मीडिया शोहरत दो धारी तलवार है। हाँ। तो वो जिधर भी चला दें, हम ब्रेक से पहले भी हम बात कर रहे थे कि पॉजिटिव उसकी डायरेक्शन। अच्छा मेरे ख्याल में जो फैमिली मैटर्स है ना वो तो सोशल मीडिया के अब तो घर से बाहर नहीं, क्योंकि बहुत ही बुरा लगता है इस तरह का। अच्छा फिर बाद में हम लोग साइड ले रहे होते हैं कभी एक ही दूसरे के, उनका आपस में पैच हो जाता है और बैठे होते हैं कि हम तो लड़ पड़ते हैं। आप आमिर खान बॉक्सर हैं, उनका अपनी वाइफ के साथ जो है ना वो था, बड़े अरसा चलता रहा लोगों ने साइड नहीं, कुछ उसके साथ हो गए कुछ, फिर स्विच भी करते रहे, एंड में उनका पैचअप हो गया, हम बैठे यार हम किसके साथ, तो ये बड़ा जो है ना। तो आजकल मेरे ख्याल में एंटरटेनमेंट जो है ना, अच्छा कई मरतबा मीडिया पर्सनैलिटीज इसको पब्लिसिटी स्टंट के तौर पे भी जो है ना वो करती हैं, कि थोड़ा सा जो है तो किसी ने मूवी लॉन्च करनी है, थोड़ी सी कंट्रोवर्सी वो कर दी, उसको कैश करवाया, अच्छा ये कौन है,
अब मोहसिन का जो नाम है, मोहसिन बड़े पुराने हैं, लेकिन इनका जो नाम है वो हर बंदे की जुबान पे इस कंट्रोवर्सी के बाद आया। इससे पहले अच्छा, और अभी हम कुछ नहीं कह सकते, हम हफ्ते बाद महीने बाद बीवी वापस ले लेके केस और वो खत्म पैचअप हो जाए, फिर हम कहेंगे यार ये हम किसके साथ थे। तो आजकल ये पता करना कि ये कंट्रोवर्सी है या रियल है इसका। अच्छा दूसरा ये कि मियां और बीवी के मामले में मेरे ख्याल में किसी को पढ़ना भी नहीं चाहिए, वो एक फैमिली अगर मैटर वो कर रही है, लेकिन खुद घिन की अगर आम मीडिया देते मैटर बना दिया है क्या। बेसिकली देखें जिसको रेटिंग नहीं मिल रही होती, हाँ। जिसको कोई नहीं जानता, अब मोहसिन अब्बास को उसकी मिसेस को तो कोई भी नहीं जानता था ना ऑलमोस्ट, हाँ, ठीक है। इसको भी वो एक शो जो प्रोग्राम में आता था मजाक रात में, हाँ। वो जस्ट डीजे बना हुआ है वो ही जानते थे ना। अब हर किसी को पता है कि उसकी मिसेस कौन है, उसके बच्चा कब हुआ, किस तरह से कुछ अरसे बाद जिस तरह कह रहे हैं कब हो जाएगा बनने रही थी और सारी कहानियां जो सुनाई हम लोगों ने, बिल्कुल सबको पता है। तो ये बड़ा जो है ना आजकल वो है, तो इसलिए मेरे ख्याल में हमें इस तरह की जो चीज आती है ना उसको बड़ा न्यूट्रल होके वो अच्छा, लेकिन आरजी है शोहरत अगर साग रहने हैं या फेम ही आरजी है, सोशल मीडिया थ्रू जितने लोग आ रहे थे वो ठीक है, मौका मिलता है। मैं एक गल आती हूँ बाजे टाइम अच्छी भी है, सिर्फ इन्हें मैं मैटर्स की नहीं गल करती, एक्टर एक्ट्रेस की नहीं गल करती, एक आम बंदे की गल करनी है, एक आम बंदी जी है कुछ करना चाहती है और कितने भी प्लेटफॉर्म नहीं मिलता, तो चलो सोशल मीडिया के थ्रू मैं गल को लाइक कर रही हूँ कि उन्होंने मौका मिल रहा है अपने आप को दिखावा, लेकिन फेम बड़ी आर्जी होंगी है वजह मीडिया पर शामिल थी वे और उन्होंने चाह के टीवी से घिन के आने थे और अहमद को आए थे चाय वाला है, चाय वाले का तो कितने नामो निशान कह नहीं सको नजर आता, यानी एक टाइम होते थे जो एक फेम मिलती है हाइप मिलती है उनके बाद, क्योंकि वर्क नहीं होता काम नहीं होता कुछ उन्हें और चीजों पिछू दी वेंदी है, बेसिकली एक्सप्लॉइट करते हैं ना इस तरह चीजों को, कुछ लोग एक्सप्लॉइट करके पैसे कमा लेते हैं, उनका काम हो जाता है, फिर उन्हें उससे सरोकार नहीं है कि वो कहाँ जाता है क्या करता है, चाय वाले का भी ऐसे ही सीन होता है। तो ये जो सोशल मीडिया है और टेक्नोलॉजी है इसका पॉजिटिव यूज बहुत जरूरी है इसमें, जिस तरह पहले बात हो रही थी कि बच्चों को भी एक पॉजिटिव डायरेक्शन देनी चाहिए, तो हमारी अपनी फैमिली में मेरी भांजी है तो उसको शुरू से, क्योंकि बच्चों का आपको पता है आजकल जैसे ही बच्चे थोड़े से बड़े हुए, बल्कि बड़े भी नहीं होते, पहले ही वो टैब लगा के दे दिए, वो कार्टून देख रहे हैं सोशल, वो खुद भी चला देते हैं, हमसे ज्यादा अच्छा चला इंस्टॉल कर लेते हैं, हाँ बिल्कुल। तो उसको स्टार्ट से उसने ना एजुकेशनल वीडियोज की तरफ ही माइल किया कार्टून के थ्रू, तो जैसे अब वो स्कूल गई है प्री नर्सरी में है वो, तो मॉनिटर बनी हुई है क्योंकि उसको पहले से वीडियोज के थ्रू, वीडियोज में एबीसी के भी गाने होते हैं, दूसरे अलिफ बे, उसको अलिफ बे जबानी आती है, साढ़े तीन चार साल की है और शायद हम में से बहुत सब सारों को अलिफ बे नहीं आती होगी, तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन भी हम दे सकते हैं। और वो पूरा जाके ना 37 लेटर्स 37 हरूफ तहजी, और वो उसे बताते हैं एंड पे कि ये है हरूफ तहजी, तो हमें कहाँ पता होता था। तो जहाँ पॉजिटिव डायरेक्शन में आप लेकर जाएंगे बच्चे भी उसे बेनिफिट लेंगे, बड़े भी लेंगे, अगर पॉजिटिवली आप इन्फॉर्मेशन लेंगे तो वो भी उसका फायदा है। हम हर टॉपिक पे सोशल मीडिया से इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, बाकी उसको वेरीफाई करना या जब उसको हम यूज करना चाह रहे हैं जिसमें हमारी सेहत पे इम्पैक्ट पड़ सकता है, जैसे मेरे शोबे से है या किसी और जगह पे इम्पैक्ट पड़ सकते हैं, तब आप फिर किसी एक्सपर्ट से उसको कंफर्म करें जाके, फौरन उसको ब्लाइंडली फॉलो ना करें, ठीक है। जिदा फायदे हैं गाल है कि फायदे चाहते ही बन सकते थे और ठीक है, बहुत जिम्मे कैसे टैलेंट की गाल करते पे आप टैलेंट को उत्ते भी घिन के आ सकते हैं, लेकिन पॉजिटिव वे घिरना जरूरी है, जिम्मे प्रैंक अक्सर लड़के बने दे नजर आ रहे थे तक और कोई उन्हें थीम नजर नहीं आता प्याना सा, हाँ, थीम से चलते पे सोशल मीडिया। एक तो जैसे आपने कहा कि ऑब्वियसली एक प्लेटफॉर्म तो प्रोवाइड करते हैं, अगर हमारा बाकी टीवी पाकिस्तान में जितने भी टीवी चैनल हैं 100 भी हैं लोग तो बहुत ज्यादा हैं जो आना चाहते हैं, तो सोशल मीडिया एक अच्छा, लेकिन इसको जो लोग सीरियस लेते हैं ना, मतलब उनके अपने यूट्यूब चैनल, उनकी अपनी व्यूअरशिप, उनके इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स, ट्विटर पे उनके जो फॉलोअर्स है वो बाकी ज्यादा हैं, लोग अर्न भी कर रहे हैं, और मैंने बहुत सारे लोग इस वक्त ऐसे देखे इवन मुल्तान में जो जिनका काम ही सोशल मीडिया पे और वो कमा ही वहीं से रहे हैं। अच्छा, इसको बजाय कि हम अभी टिकटॉक और बाकी जो नॉन सीरियस चीजें हैं इनको वो करें, यूट्यूब पे आप अपने प्रोफेशन से, जिस तरह डॉक्टर साहब ने बनाया है, आप अपने प्रोफेशन से रिलेटेड या अपने पैशन से रिलेटेड, अभी पाकिस्तान में एक यूट्यूब चैनल है आमना का, कुकिंग वो करती हैं, वो उनका वो था कि, और एक मुबशर है लड़का मुबशर सदीक, वो 3 लाख रुपए महीना कमा रहा है सिर्फ यूट्यूब, बड़ा सादा सा आदमी है, वो खास एडिटिंग भी नहीं करता, मोबाइल से वीडियो बनाई बस उसको जोड़ा, उसके गाँव में इंटरनेट भी नहीं है, वो अपने गाँव से दूसरी जगह जाता है, वहां से नेट पे जाके वीडियो अपलोड करता है। बीबीसी ने उस पर जो है ना वो आर्टिकल पूरा पब्लिश किया कि मुबशर सदीक जो है वो वगैरह 3 लाख से कम ज्यादा, और इस एज में माशाल्लाह उसके जो वालिद हैं वो कहते हैं हमने गाड़ी ली है, वो आके मतलब बुढ़ापे में वो अपने पेरेंट्स के लिए,
तो आप सीरियल और कुकिंग है, सिर्फ कुकिंग है बस, वही है कि देसी अंदाज में करता है, लोगों को वो अच्छा लग जाता है। अच्छा, बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं जहाँ पे बाहर बच्चों के टॉयज के बारे में रिव्यूज दिए जाते हैं। बिल्कुल, पाकिस्तान में ऐसा बच्चे बड़े शौक ना बच्चे बड़े शौक देखते हैं। और ये जो चैनल्स हैं इनकी जो अर्निंग्स हैं वो क्या, अच्छा जो हमारे, तो थोड़ा सा अगर हम सीरियस इन चीजों को ले सोशल मीडिया, यानी अपने पैशन दे हिसाब नाल, अपने टैलेंट दे हिसाब नाल इस्तेमाल करो, ना कि कहीं को तंग करने वास्ते इस्तेमाल करो। ज्यादातर प्रैंक सरेठा होसी के लोगों को तंग करने थे, डरावने थे, कितने थप्पड़ मारने थे, कितने कुछ करने और भाज बनने थे, उनके बाद आखने वो देखे जी आपको कैमरा देख रहे हैं, अगर लोग गुस्से थे ना, तो इन तरह की अगर हरकत करने की बजाय कोई क्रिएटिव काम करो वो ज्यादा बेहतर है। मजीद गुफ्तगू करें सो नाज़रीन, ब्रेक देवा। वेलकम बैक नाजरीन, खुश आमदीद। अक्सर तक उस सवेल दे रहेंगे चार डॉक्टर तलहा अशर वाले चल सोने की किताब में चाचा के दिखावे भी सही और दसन भी सही कि इन किताब का निचोड़ क्या है। पूरा जो एक मैसेज जा रहा है शुगर पेशेंट को, क्या जा रहा है, क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं शुगर पेशेंट को, वो बताएंगे डॉक्टर तलहा। नाजरीन जैसे देख सकते हैं किताब नजर आ रही होगी, ठीक है, ये किताब है इफेक्ट ऑफ डायबिटीज मेलाइटिस ऑन गम्स एंड टीथ, मतलब जो शुगर है या डायबिटीज है उसके क्या इफेक्ट हो सकते हैं लोगों के जो डेंटल हेल्थ है, जैसे मसूड़ों पर और जो हड्डी उसके इर्द गिर्द होती है उस पर क्या इफेक्ट हो सकते हैं, ओवरऑल टीथ और गम्स के ऊपर ये मतलब लिखी गई है। तो जो शुगर का मर्ज है वो आप सबको पता है कि दो टाइप्स होती हैं उसकी, एक होती है जो जवानी में शुरू में होता है, जब जैसे एडोलेसेंस की एज है 15-16-17 साल की उम्र में टाइप 1 होती है, बच्चों को भी शुगर थी मैं हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, बिल्कुल। और दूसरी जो है जो लेट एज में जाकर होती है टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस उसे कहते हैं। दोनों के जो असरात हैं वो आपके मसूड़ों पे दांतों पे काफी बुरे साथ पड़ते हैं, हड्डियों पर भी पड़ते हैं ओवरऑल बॉडी के अंदर। तो इसमें जो मेन जो है डिसएडवांटेज या नुकसान जो होता है उनको वो ये है कि जो आपके मसूड़े हैं ना दांत के इर्द गिर्द वो सूझ सकते हैं, वो कमजोर भी थी कमजोर हो सकते हैं, उनकी पकड़ कम हो सकती है, ठीक है, उनसे खून आना शुरू हो जाते हैं बाजू, ठीक है। उसके अलावा जो इर्द गिर्द हड्डी है दांत को जो पकड़ के रखती है जिसकी वजह से दांत मजबूत रहते हैं चबाने में खाने में, उसका भी लॉस होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये दोनों हैं मेन उसके नुकसान, ठीक है। अब करना क्या है, जैसे ही किसी को शुगर या डायबिटीज डायग्नोज हो गई है, मर्ज की तशखीस के फौरन बाद आपने ये नहीं करना कि जस्ट उसका आपने ट्रीटमेंट लेना है, ठीक है, उसको तो कंट्रोल आपने रखना ही रखना है ना, लेकिन साथ ही आपको चाहिए कि आप रेगुलरली किसी अच्छे डेंटिस्ट के पास, एक्सपर्ट डेंटिस्ट के पास, क्वालिफाइड के पास विजिट करें और एक नॉर्मल चेकअप आप करवा लें, ठीक है। उसमें फिर आपने एक तो अपना शुगर लेवल मेंटेन रखने की कोशिश करनी है, ठीक है, आपने टूथ ब्रशिंग करनी है रेगुलरली दिन में 2 दफा कम अज कम, ठीक है, किसी भी अच्छे पेस्ट के साथ और सॉफ्ट टूथब्रश आपने यूज करना है। अगर आप हार्ड यूज करेंगे तो वो आपके दांत की सतह को भी खराब करेगा और इस कंडीशन में क्योंकि आपके जो मसूड़े हैं वो कमजोर हो रहे हैं तो वो मसूड़ों को भी रूटीन वाइज भी तो पता है जरा सा टूथब्रश इस्तेमाल करनी है और लाइट होना बहुत जरूरी है, सख्त नहीं होना चाहिए, हार्ड ब्रश नहीं होना चाहिए, स्लिम सॉफ्ट वर्ड हम यूज करते हैं। बड़ा देते हैं कि रेट घट है, चलो घिन घिने हैं, रेट घट होते थे अंदर जड़े मतलब अफादियत भी वो भी घट होती है, नुकसान दे देती है। कंपनियों ने हर किस्म के बनाए हुए हैं, डिफरेंट तरीके के होते हैं, कोई बड़े छोटे उसके ब्रिसल्स जो होते हैं, ठीक है, आपने कोशिश करनी है कि ऐसे ब्रिसल्स यूज करें जो सीधे हों बिल्कुल, ठीक है, सीधे जो ऊंचे नीचे कहते हैं ना कि दांतों के अंदर जाएगा इधर जाएगा, इसका कोई खास बेनिफिट नहीं है, जो जितना हमने पढ़ा है और हमें इसका आइडिया, एक तो सीधे होने चाहिए, ठीक है, स्मॉल हेड यूज करें ताकि वो बैक तक जाए, जो आपके आखिरी दांत है कल दाड़ है उससे पहले दांत है वहां तक अगर ब्रश जाएगा तो ही काम करेगा ना वो, ठीक है। स्लिम सॉफ्ट यूज करें, छोटे हेड वाला आप यूज करें, रेगुलरली यूज करें, उसके इस्तेमाल का तरीका ये होता है कि एक तो हम यूं रगड़ते हैं वो नहीं होना चाहिए, ठीक है, कोशिश करें कि जिस तरह से हम आइसक्रीम नहीं खाते स्कूप इस तरह लेते हैं बट हेड, उसी तरह से लेकर जाए अपना ब्रश, दांत और मसूड़े जहाँ पर मिल रहे हैं वहाँ पर रख के उसको वाइब्रेट करें। अच्छा, कुछ लोग बिल्कुल बिल्कुल सीधा ब्रश करेंगे, कुछ लोग ई और ई ते ई मतलब बेबी ब्रश करना चाहिए। तरीका आपको बताना चाह रहा हूँ कम्प्लीटली, ठीक है, तो जहाँ मसूड़े दांत मिल रहे हैं वहां रखकर आप ब्रश को पहले वाइब्रेट करेंगे। उसका फायदा क्या होगा कि अगर कोई चीज वहां फंसी हुई है, जो प्लाक बन रहा है वो वहां पर, क्योंकि जब प्लाक के अंदर कैल्शियम डिपॉजिट होता है ना एक दो दिन के बाद, तब वो सख्त हो जाता है, फिर आपके ब्रश से खत्म नहीं होगा, फिर आपको जाना पड़ेगा डेंटिस्ट के पास, स्केलिंग करानी पड़ेगी उसकी, वो फिर रिमूव होगा। तो वहां वाइब्रेट करने का फायदा क्या होगा कि वो थोड़ा बहुत जो अंदर कुछ जमा हो रहा है
वो वाइब्रेशन से डिसलॉज हो जाएगा, ठीक है, वो नरम पड़ जाएगा, फिर वो बाहर निकल आएगा। उसके बाद आप ब्रशिंग के दो तरीके हो सकते हैं, एक तो ऊपर नीचे करके ऐसे लेके जाएं, दूसरा तरीका है सर्कुलर मोशन से, ठीक है, ऐसे ऐसे नहीं करना, ठीक है, ये ब्रशिंग हो गई। अब शुगर के मरीज में ब्रशिंग आपने रेगुलर करनी है, अच्छे तरीके से करनी है, 4-5 मिनट लगाकर इस तरीके से, और जो भी आपके डेंटिस्ट ने आपको टूथपेस्ट बताई है उसके लिए स्पेशल मेडिकेटेड टूथपेस्ट भी है, वो आप यूज कर लें, ठीक है, फ्रिक्वेंटली पूछ के। उसके अलावा क्या करना है, क्योंकि इसमें हड्डी भी गल रही है, अब जो हड्डी है वो दांतों के दरमियान में भी है, दांतों के ऊपर भी है, सारी तरफ उसके है, जबड़े है। हाँ जी, तो दांतों के दरमियान की सफाई बहुत जरूरी है, ठीक है, दांतों के दरमियान की सफाई के लिए जो आम हमारा ब्रश है वो अजफा नहीं करता, वो सही, उसमें फायदा नहीं है उसका। उसके लिए आपको अगर कोई चीज फंस जाती है, आपको फील होता है, तो डेंटल फ्लॉस के नाम से एक होल्डर वाला धागा सा होता है, डिफरेंट कंपनीज का आता है, आप मतलब किसी भी जनरल स्टोर से जाएं, बहुत ही वो सस्ता सा है, वो मिल जाते हैं, उसके पैकेट से मिल जाते हैं, तो वो डेंटल फ्लॉस आपने यूज करना है। उसका तरीका ये है कि उसका हैंडल पकड़ के आगे धागा लगा होगा, दांत के दरमियान में अंदर लेके जाएं और ऐसे बाहर ऊपर नीचे इस तरह करके ना, तो वो डिसलॉज होकर बाहर आ जाएगा। दूसरा, वैसे इंटरडेंटल टूथब्रश भी मिलते हैं, लेकिन पाकिस्तान में इतने ईजिली अवेलेबल नहीं है, तो बेहतर ये है कि डेंटल फ्लॉसिंग आप करें इसके थ्रू, धागे के थ्रू, और जो टूथब्रश करें। अच्छा, इसमें यह है कि कुछ आप नेट पे भी देखेंगे वीडियोज ऐसे कि ना सिंपल धागे से भी करते हैं लोग ऐसे पकड़ के ना, तो उसका ना नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि वो अनकंट्रोल्ड आपकी वो मोशन है, ठीक है, दूसरा वो साफ नहीं होता, ठीक है, जरासीम जरासीम हो सकते हैं, ठीक है, और अगर वो टूट के अंदर फंस जाए कहीं पे तो वो भी नुकसान है, और मसूड़े को भी अनकंट्रोल्ड उसकी वजह से नुकसान दे सकते हैं, जख्मी थी सर मसूड़ा, ठीक है। तीसरी चीज क्या हो सकती है कि आप माउथ वॉश यूज करें, ठीक है, शुगर के मरीज की बात हम करें ना, तो माउथ वॉश आप पानी में मिला लें, और उसमें सिंपल माउथ वॉश से नुकसान भी हो सकता है, बार दफा बहुत ज्यादा कॉस्टिक होते हैं, तो वो गम भी बंद कर सकते हैं, इसलिए तो बेहतर ये कंपनी वाले तो कहेंगे आपको कि आप प्योर यूज करो तो ताकि जल्दी खत्म हो और वो फिर नया ले लें, हाँ, तो आप उसको पानी में मिला लें, आधे एक गिलास पानी में मिक्स कर लें, उससे कुलियां कर लें, ठीक है, या फिर अगर आप माउथ वॉश अवेलेबल नहीं है तो नीम गर्म पानी करके थोड़ा सा नमक मिला लें, ब्लड प्रेशर के पेशेंट ना करें, बाकी मरीज कर सकते हैं, तो उसमें मिला के बस कुलियां करें, वो बहुत अच्छा एंटीसेप्टिक माउथ वॉश है नेचुरल, ठीक है, तो ये तीन चार चीजें हो गई। फिर आप डेंटिस्ट के पास विजिट करें तो आपको फ्रीक्वेंटली 6 महीने साल बाद अगर वो रेकमेंड करें तो स्केलिंग पॉलिशिंग इसमें करवानी चाहिए शुगर के मरीज में, क्योंकि शुगर के मरीज में ज्यादा चांस है मसूड़े सूजने का, खून आने का, हड्डी लॉस हो रही है। फिर तीसरी चीज ये है कि उसमें अब तो स्पेशल फॉर्मुलेशन आ गई है, जेल्स आ गई है, ठीक है, जो कि मसूड़ों की सेहत के लिए, उसके नीचे हड्डी है दांत के, उसकी सेहत के लिए बहुत अच्छी है, ठीक है, तो वो भी अगर आपके एहतियात नाल आपके दांत बचाए बन सकते थे, ज्यादातर डायबिटीज के जो मरीज हैं उनको मस्ते ज्यादा थे, एहतियात सफाई और डॉक्टर से रेगुलर चेकअप, ठीक है आप उसके पास रेगुलर 6 महीने बाद साल बाद जाके चेकअप कराएंगे तो आपका इंशाल्लाह दांत अच्छे रहेंगे, क्योंकि शुगर में ऊपर से नजर नहीं आएगा उस तरह से, चांसेस तो है, मीठा जाहिर है और कैरीज के चांसेस हैं, लेकिन ये भी होता है कि सफाई अच्छी रखने की वजह से, सिर्फ सफाई अच्छी रखने की वजह से हो सकता है कि वो अंदर अंदर हड्डी गलती जाए, आपको पता लेट जाके चले जब दांत आपके हिलने लग जाएंगे। अच्छा, सारे लोग बाकी हर चीज से पैसा ले सकते हैं, डेंटिस्ट को जान में दिए तो उतना पैसे नहीं लेते, उतना फीस महंगी पौंदी है, डेंटल जो ट्रीटमेंट है वो इंश्योरेंस कंपनीज भी कवर नहीं करती, इवन यूएस में वन ऑफ द एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट्स जो है ना वो इसमें आता है। दुनिया भर में एक्सपेंसिव है, सिर्फ पाकिस्तान में, कैनेडा, यूएसए, यूके, आप जहाँ भी चले जाए, जैसे ये बता रहे हैं इंश्योरेंस कंपनीज डेंटल ट्रीटमेंट को कवर नहीं करती, बहुत ही रेयर होगा कि वो कुछ परसेंट कवर करेंगी, क्योंकि इसमें ना मटेरियल्स हैं, ठीक है, इसमें कॉस्टली मटेरियल्स यूज होते हैं और इसकी कॉस्ट आती है। एक आप नॉर्मल जाते हैं किसी मेडिकल फिजिशियन के पास जाते हैं तो वो आपको ये करेगा ना, आपको चेकअप नॉर्मल करेगा, मैक्सिमम दो टेस्ट लिख के देगा, प्रेस्क्राइब करेगा और ठीक है, लेकिन आप डेंटिस्ट के पास जाएंगे कम से कम 1-1.5 घंटे का प्रोसीजर होगा, लग जाता है, उसमें मटेरियल्स यूज होंगे, उसमें इंस्ट्रूमेंट्स है, डेंटल यूनिट है, उसकी कॉस्ट है, तो ओवरऑल और है कॉस्मेटिक की, एक मेन वजह ये भी है कि इट कवर द कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट्स, तो दुनिया भर में कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट्स के ऊपर नहीं है इंश्योरेंस या गवर्नमेंट प्रोवाइड भी नहीं करती, जैसे ब्रेसेस लगते हैं या वाइट फिलिंग्स होती हैं, तो जहां पर तो वो फंक्शनली मतलब रिक्वायर्ड है तो कुछ जगहों पे कवर होती है इंश्योरेंस में, वो के जी फंक्शन रिक्वायर्ड है उसमें भी परसेंटेज होती है, सही, टोटली फ्री नहीं होती, लेकिन जहाँ कॉस्मेटिक कंसर्न आ गई तो वो बहुत सारे जो पाकिस्तानी जो पाकिस्तान से बाहर हैं वो अक्सर यहाँ करवा रहे होते हैं, मोस्टली वो है कि बाहर इतना कॉस्टली है, मुझे इवन डॉलर्स में या पाउंड में भी कमा रहे हो, यहाँ आते हैं तो थोड़ा कन्वर्ट करके फिर दे रहे थे वापस आके। सिंपल एग्जांपल लेके $2,000 की या $2,500 की रूट कैनाल कॉमन है, बिल्कुल, इवन 5,000 की भी है बाहर,
तो यहाँ अगर जो बहुत ही कॉस्टली भी होगा ना वो 20-25 हज़ार में रूट कैनाल करेगा तो उनको तो एक ब्लेसिंग है। हाँ, उसके लिए जो है वो तो कहेंगे जितनी भी रूट कैनाल होनी है जो होना है वो पाकिस्तान हम जाएंगे, घूम फिर भी लेंगे, सबसे मिल भी लेंगे। अच्छा, अक्सर असर रहते हैं कि जड़े शुगर पेशेंट होने दंदा का मसला बहुत ज्यादा होते थे और मेरी वालदा को शुगर में कोई थोड़ा ज्यादा अंदाजा थी कि क्या क्या प्रॉब्लम्स चल रहे थे ना लोगों को और अक्सर वो रेगुलर चेकअप भी करने रहने थे अपने करवाने रहने थे, लेकिन अक्सर रहते हैं कि जड़े जड़े दंद है जिन्हें कमजोर थी रहने थे बत्तीसी अक्सर लोग यूज करने नजर आने थे, वो क्या उदा फायदे है अक्सर लोगों के वो भी मसूड़े भी सोच रहे हैं उनकी वजह ना भी ई हवाला दस सो परमानेंट लगवाने चाहिए इन्होंने लोगों को दंद या नहीं लगवाने चाहिए वो क्या है। देखें, शुगर की जो 6 बड़ी कॉम्प्लिकेशंस हैं, ठीक है, वो जैसे पहले बात कर रहे थे, आंखों का है, गुर्दों का मसला है, उसमें जख्म नहीं भरता और तीन चार चीजें, उसमें जो छठी सबसे बड़ी कॉम्प्लिकेशन है वो यही है कि आपके जो मसूड़ों का और दांतों की हड्डी का पेरिनोटल प्रॉब्लम इसे कहते हैं, ठीक है, वो है। तो जब भी शुगर के मरीज में जब सारे दांत अगर निकल जाते हैं और हमें बतीसी लगानी पड़ती है तो हम उसमें फिर इवेल्युएट करते हैं कि एक्सरे कराकर ठीक है कि कितनी हड्डी की क्या उसकी हाइट है और उसमें कितनी है अच्छी क्वालिटी क्या है उसकी बोन की, जो आपकी अब मसूड़ों के नीचे हड्डी है ना, आप देखो शुगर के मरीज में बार दफा काफी नीचे तक मसूड़े चले जाते हैं, हड्डी वो सारी घुल जाती है और मसूड़े ही रह जाते हैं, नीचे कम हड्डी होती है। ऐसी हालत में तो जो बतीसी लगाते हैं ना वो भी सही तरह से नहीं टिकती, खासतौर पर नीचे वाली, ठीक है, उसके लिए फिर और डिफरेंट ट्रीटमेंट्स हैं। तो ये फिर उनको रिलीफ दिया जाता है जिस जगहों पर हमें फील होता है ना कि यहाँ पर ज्यादा लगेगी जाकर, वहाँ पर रिलीफ देते हैं ताकि उसको कम से कम तकलीफ हो। इससे जो बेहतर इलाज आ चुका है वो है डेंटल इम्प्लांट के नाम से। आपने सुना होगा कि दांतों को हड्डी के अंदर जो टाइटेनियम के बने हुए या जिरकोनियम मटेरियल है उसके बने हुए डेंटल इम्प्लांट्स आते हैं, जैसे दांत की रूट होती है ना, जड़ होती है, उस तरह की जगह पर वहां पर हड्डी के अंदर सुराख करके डेंटल इम्प्लांट लगा देते हैं, 3, 4, 5, 6 जो भी हमें लगता है कि लगाने हैं पूरी बतीसी के लिए, और उसके ऊपर फिर बतीसी फिक्स हो जाती है, ठीक है। लेकिन उसमें फिर हम पहले ये देखते हैं कि हड्डी कितनी है, क्या वो जो इम्प्लांट है उसके लिए जगह भी है हड्डी की या नहीं है। अगर मरीज ज्यादा मोटिवेटेड है, जो कि होना चाहिए क्योंकि हमारी जो सेहत है सबसे बेहतर मतलब जरूरी चीज है ना, जैसे हमने खाना खाना है वो मुंह से हमने खाना है, ओवरऑल सारी बॉडी में इम्पैक्ट पड़ता है। तो फिर उसमें जो आर्टिफिशियल बोन ग्राफ्टिंग भी एक ट्रीटमेंट प्रोसीजर है कि हम मसूड़े को हटाकर वहां पर आर्टिफिशियल बोन को ग्राफ्ट कर देते हैं, मसूड़ा बंद करते हैं, उसकी वजह से हड्डी की जो मिकदार है वो बढ़ जाती है और फिर हम उसके ऊपर आराम से इम्प्लांट लगाकर और फिक्स दांत लगा देते हैं। प्रोसीजर मुश्किल है उतना ही लेकिन कॉस्टली भी है, कॉस्टली तो है भी बहुत, कॉस्टली ज्यादा हो जाएगा ना, इसीलिए कहते हैं कि दांतों को बचाएं, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो जितना बेहतर है कि शुरू से ही डॉक्टर के पास जाके मशवरा करते रहें। बस शुगर को कंट्रोल रखना भी इतना बहुत ही जरूरी है, शुगर कंट्रोल रासी तो मसले मसाले बहुत घट रहा है। बिल्कुल, शुगर का जो एक टेस्ट है ना, हम नॉर्मली तो ब्लड टेस्ट करा लेते हैं, ठीक है, उसमें भी पता चल जाता है, एक आइडिया हो जाता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा अब जिस तरह आपके तवस्सुत से हम बता सकते हैं मरीजों को, एक स्पेशल टेस्ट है जो आप किसी शुगर स्पेशलिस्ट के पास जाएंगे वो भी यही टेस्ट करवाएंगे आपको, ठीक है, ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन टेस्ट होता है, ठीक है, वो करवाएं, उससे पता चलता है मिकदार का क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, मजीद लोगों को जानना चाहते नाज़रीन मेरा, ठीक है, छोटी ब्रेक तक थे वेलकम बैक नाजरीन, खुश आमदेद सवेल दरांगे चौजी अगर तक पता है तारिक बाद साहब हैं, मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, एजुकेशनिस्ट भी हैं, जरा इन्होंने गपशप भी करे सुने को पूछो। अच्छा, एजुकेशनिस्ट तो हो ही हो, ठीक है, स्टूडेंट्स को पढ़ेंदे हो, क्या आए थे स्टूडेंट्स नसीहत को, क्योंकि या गाल तो कोई भी फॉलो करे असर रहते हैं कि नसीहत करना छोड़ गए, सारे वडेरे भी हम छोड़ गए ना, उनको लगता है कि शायद बड़ा है? बहुत ही अच्छा आपने जो है ना वो सवाल किया। अच्छा, मैं इसको थोड़ा सा ना रिलेट करूंगा, हम लोग, मैं डॉक्टर साहब, हम जिस एज में हैं, हम लोग जिस एज में पढ़े हैं, वालदेन से भी मार खाई हुई है, टीचर से भी खाई हुई है, और रिश्तेदारों से भी खाई हुई है, क्योंकि उस दौर में वो था एक फिनोमेना। जब से मार नहीं प्यार आया ना, अब तो मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ, लिटरली डॉक्टर साहब पढ़ाते हैं, डर लगता है स्टूडेंट्स को लेके कि वो रिएक्ट ना करते हैं जब उन्हें इस तरह की कभी कोई बात करते हैं ना, बेटा ये यूं कर लो। तो हम वो उस जनरेशन से ताल्लुक है जिन्होंने मार खाई है लेकिन मार नहीं सकते, डांट खाई है लेकिन डांट नहीं सकते। और आपने, अच्छा, बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो कि स्टूडेंट्स के, जिस तरह
अभी डॉक्टर साहब कह रहे थे शुगर के बारे में, आप किसी पेशेंट को कि भाई अगर आप ये नहीं करोगे आपकी डेंटल हाइजीन का बेड़ा गर्क हो जाएगा, आप ऑब्वियसली से डराओगे ना कि यार इसका ख्याल करो, और फिर उसकी कॉस्ट भी है, एक आदमी गरीब है और वो केयर नहीं कर रहा उसके लिए तो वो ज्यादा, तो आजकल स्टूडेंट्स को जब हम वो करते हैं तो बर्दाश्त बहुत जो है ना। अच्छा फिर आप ये देख लें बच्चों में सुसाइड का ट्रेंड, मार्क्स पे, इस तरह की चीजें, तो आजकल ये नहीं समझ आती कि कितना शुगर कोट करके हमने बताना है कि वो डाइजेस्ट कर ले, वो ले उस नसीहत को, उस बात को समझ ले। और फिर दूसरा इतने ज्यादा प्लेटफॉर्म्स हैं, इतनी ज्यादा चीजें आ गई हैं सोशल मीडिया, किसी का कुछ ज्यादा कर दें उसकी वीडियो बना के जो है ना, टीचर तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो आपके पास मतलब एक बड़ी न्यूट्रल सी टोन है, मतलब बड़ी सादा सी आप बात कर दें, वो यही है कि जिसने नसीहत लेनी है वो ले लेगा, जिसने नहीं लेनी तो बड़ा टीचर के लिए ना बहुत नैरो मार्जन है। ठीक है, और अगर ऐसा गल करें आप यूथ दे हवाले नाल ते उन्हां वास्ते किस चीज दी हुण अहमियत ज्यादा है, वक्त दी मेरे ख्याल क्या नजर आंदे, वक्त जाया करदे नजर आंदे ना स्टूडेंट्स को? सबसे पहले तो अपने आप को, बड़ी पुरानी वो बात हो जाएगी लेकिन इकबाल, आप सबसे पहले खुद शनासी अपने आप को देखें, आप में क्या टैलेंट है, कुदरत ने किस चीज को, अगर आप बैठ के ज्यादा काम कर सकती हैं तो अपनी सलाहियतों को देखें। कुछ लोग ऐसे हो कहते हैं मैं 9 to 5 जॉब नहीं कर सकता, प्रोफेशन ऐसा, डिग्री ऐसी करें जिसमें ट्रैवलिंग हो, जिसमें फन हो, जिसमें एडवेंचर हो, मीडिया। अच्छा फिर सॉफ्ट स्किल्स, इतनी अभी गवर्नमेंट ने डिजिटल स्किल्स के नाम से एक प्रोग्राम शुरू किया है, वहां से आप कुकिंग का आप देख लें आजकल, वहां बहुत ज्यादा चीज, आजकल तो इतने ज्यादा प्लेटफॉर्म्स, इतनी ज्यादा चीजें हैं। पाकिस्तान में इस वक्त व्लॉगर्स का जो वीडियोस बनाते हैं यूट्यूब पे, उनका बहुत ज्यादा ट्रेंड है, बड़ा प्रोफेशनल काम कर रहे हैं। तो अपने आप को एक्सप्लोर करें, अपने आप पे थोड़ा सा टाइम स्पेंड करें। मैं तो कहूंगा कि आजकल इस तरह के टेस्ट ऑनलाइन भी अवेलेबल है जो आपकी पर्सनैलिटी बता सकते हैं कि आपका किस तरफ ज्यादा रुझान है। आप मीडिया की तरफ आ सकते हैं, सोशल मीडिया की तरफ आ सकते हैं, करियर काउंसलिंग की तरफ आ सकते हैं, साइकोलॉजी की तरफ आ सकते हैं, हमें अच्छे साइकोलॉजिस्ट की। अब आप ये देखें, हमें पाकिस्तान को इकोनॉमिस्ट लेना था तो बाहर से मंगवाते हैं, हमारे पास अच्छे इकोनॉमिस्ट नहीं है। अच्छा इस वक्त पूरी दुनिया में सबसे बड़ा मसला है वो ये है कि ज्यादातर जो जहीन लोग हैं वो आईटी की फील्ड में जा रहे हैं, इवन मेडिसिन में भी आ रहे हैं लेकिन कम है, मतलब उस तरह का मेडिसिन में एंटीबायोटिक्स उतनी ज्यादा नहीं बन रही, रेजिस्टेंस आ गई है बहुत ज्यादा, इनोवेशन आईटी में बहुत ज्यादा इनोवेशन चल रही है, बाकी जितनी भी फील्ड है वो कम है। तो कोशिश करें कि उस तरह अपने आप को पहचाने, देखें आपके अंदर क्या स्किल है, आप अच्छा बोल सकते हैं, मोटिवेशनल स्पीकिंग में आ जाएं, करियर काउंसलिंग में आ जाएं, साइकोल लोगों को बताएं। अच्छा फिर बहुत सारे ऐसे प्रोफेशंस हैं जो कि कुछ अरसा पहले मायूब समझे जाते थे, अब जिस तरह एनिमल ट्रीटमेंट है, अब हम कहते थे जी डंगर डॉक्टर है, अब वो देखते हैं बड़ा कॉस्टली, अब वो हम एक्सेप्टेंस आ गई है। आज से 20 साल पहले हम कहते थे जी मीडिया वालों को जो है ना वो लोग रिश्ते नहीं देते, कहते आप करते क्या, ये तो करते हो आप, ड्रामा तो करते हो, करीम तो देख लें ना, हाँ करीम देख लें, बड़े पढ़े लिखे लोग जो है ना। तो सबसे पहले अपने आप को आइडेंटिफाई करें, देखें आप। एक और जो कॉन्सेप्ट आजकल बड़ा गलत है वो लोग जो है ना वो यंग दिखना भी चाहते हैं, लगना भी चाहते हैं, मैच्योर नहीं होना चाहते, ये एक बहुत बड़ा यूथ में जो मैंने देखा है। क्या फर्क है यंग दिखने थिया, मतलब यंग दिखें लेकिन आप मतलब अगर आपकी एज 35-40 ईयर्स है ना तो आपका बिहेवियर भी वैसा हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाला, ये जिम्मेदारी वाला। बेशक आप 60 साल की उम्र में भी आप 40 साल के लगे, आप देखें हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान माशाल्लाह फिट हैं, मतलब मिड 60s में है लेकिन फिट इंसान है। तो अब लेकिन उनके जो डिसीजन है वो मेच्योर डिसीजन जो है ना, वो आप इख्तलाफ कर सकते हैं लेकिन जो डिसीजन है इंसान के वो उसकी एज के लिहाज से होना चाहिए। आजकल जो यूथ में मैंने देखा है अक्सर जो लोग हैं वो जो एज जो उनकी एक्चुअल होती है उस तरह का बिहेवियर नहीं वो कैरी कर रहे होते, वो बहुत जरूरी है। आपको जिम्मेदारियों से भागना जो है ना, अगर मैं सही अल्फाज, ये लोग एज मतलब हो जाते हैं लेकिन वो जिम्मेदारियां उस तरह की जो है ना वो नहीं लेते, ये बड़ा जरूरी है। फैमिली का भी है, फैमिली का भी है, सबसे छोटा बच्चा वालदैन उसको छोटा ही नहीं मानते, उसको बड़ा ही नहीं करते सारी जिंदगी, ये तो छोटा है, ये तो छोटा है। अच्छा वो फिर उसकी पर्सनैलिटी डेवलप हो जाती है, अच्छा मैं तो छोटा हूँ तो मैं तो फॉर ग्रांटेड हूँ, मैं तो जो भी करूँ ना वो चलेगा। तो ये जो है ना इन चीजों पे थोड़ा सा वो करना चाहिए कि जिस तरह आप एज लेते हैं, जिस तरह आप बड़े होते हैं, डिसीजंस भी आपके जो है ना वो उसी तरह होने चाहिए। और प्रोफेशन में मैं स्टूडेंट्स को कहूंगा कि अब वो दौर चला गया जब डॉक्टर्स और इंजीनियर्स, पाकिस्तान में बहुत ज्यादा इंजीनियर्स बेरोजगार है, बहुत ज्यादा। मैं एजुकेशन प्रोफेशन में हूं और आप यकीन करें इंजीनियर्स जॉब्स के लिए मतलब वो जॉब कह रहे हैं जो उनकी डिग्री नहीं है, हर चीज में मतलब जो जॉब मिल जाए ना, मेरे भी कुछ दोस्त हैं मतलब उन्होंने इंजीनियरिंग की है लेकिन अब वो कोई अपना बिजनेस कर रहे हैं, कोई वेला फिर दावत दे कोई बिजनेस कर रहा है, मुख्तलिफ काम है लेकिन वो जॉब जिन्हें वास्ते उन्हें की जो डिग्री उन्होंने की है वो काम से रिलेटेड नहीं कह रहे। सो आप
अच्छा, अभी हमने 2-3 माह की छुट्टियां गुजारी हैं, इस मरतबा छुट्टियां थोड़ी ज्यादा भी बड़ी ईद आ रही है। इन छुट्टियों को पेरेंट्स को चाहिए बच्चों को यूटिलाइज कर रहे हैं, उनको टेक्निकली कुछ ना कुछ सिखा दें। देखें, घर में हम बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि जिनके लिए हम बाहर से लोगों को बुलाते हैं, आप अपने बच्चों को वो स्किल्स। अभी मेरी सिस्टर जो है वो स्वीडन में है, वो बता रही थी कि वहां पे 3 काम जो है ना, वो खाना पकाना, कपड़े धोना और लकड़ी का काम, ये सब, फिर ये ट्रेड मतलब नेशनल ट्रेड, ये सबको आना चाहिए। ये जिसको नहीं आता फाइन है। यूके कैनेडा में भाइयां वो बता रहे हैं कि स्विमिंग कंपलसरी है, जो पेरेंट्स स्विमिंग नहीं सिखाते फाइन होता है। अब ये स्किल्स हैं, हम अपने बच्चों को हम देखें छुट्टियां जाया कर दी, ठीक है, ज्यादा दरिया में बच्चे और डूबे नहीं थे, बड़े बड़े लोग डूबे नहीं थे। अभी अच्छा डॉक्टर साहब, अभी हार्ट अटैक का जिक्र कर रहे थे हम ब्रेक में, कि फर्स्ट एड जो है वो हम तमाम लोगों को, ये तो सबको होना चाहिए, कि ये तो अवेयरनेस होनी चाहिए ना, कि एक इंसान तो स्कूल में छोड़े ना, गवर्नमेंट स्कूल में एक जमाने होती है, अगर ऐसा पढ़े ऐसे तनाव सिखाई वेंदे फर्स्ट एड। गवर्नमेंट कॉलेजेस में एक जमाने में ये भी होती थी फर्स्ट एड की ट्रेनिंग, और एनसीसी के नाम से आपको याद होगा कि उसमें ये जितनी एक आपकी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस के तौर पे वो सब कुछ सिखाते थे, कैसे गन चलाते हैं, किस तरह करते हैं, लेकिन वो फिर खत्म हो गई। अच्छा, मैं इसको ना कंपेयर भी करना चाहूंगा, ये जो बच्चों की बात हो रही है, फिर पेरेंट्स की बात भी हो रही है। आजकल जो बच्चों में है ना ट्रेंड, वो एक ये एक वर्ड आपने सुना होगा कि कोई भी बड़ा, उनके कोई वालिद वालदा या कोई भी जो घर में बड़ा है, तो वो उससे कोई बात समझाना चाहे तो वो कहते हैं कि आपको नहीं पता, मतलब आपको नहीं पता कि आप किस तरह होते। जनरेशन गैप इसका नाम दे दिया गया, इसमें वो अपने आप को बहुत वो मतलब उनकी फीलिंग ये आती है कि हम नई जनरेशन के हैं, ठीक है, उसमें उन्हें कुछ समझाने की कोशिश करें तो वो ये कहते हैं आपको नहीं पता। फिर आप सोशल मीडिया की तरफ हम आ जाते हैं, वहाँ स्टेटस लगे होते हैं फीलिंग डिजेक्टेड और इस तरह से, उसके ऊपर वो लाइक्स और ये वो, तो ये एक ना जनरेशन गैप बढ़ता जा रहा है उस वजह से बच्चे के। अगर फिर इसमें पेरेंट्स का कसूर भी है, जैसे ये बात कर रहे थे कि करियर काउंसलिंग की बात कर रहे थे ना, कि आपने इसको डायरेक्शन देनी है, आपने किस तरफ जाना है। आजकल एक दौड़ है पेरेंट्स की, आपस में बैठेंगे भाई भाई बैठेंगे, वो अपने बच्चों को डिग्रेड करेंगे, ठीक है, कोई फ्रेंड्स बैठेंगे पुराने, उनके बच्चे होंगे वो अपने बच्चों को डिग्रेड करेंगे, कंपैरिजन, उन्हें कहेंगे यार ये तो कुछ नहीं पढ़ता ही नहीं है, ये डॉक्टर नहीं बन रहा, ये उसके ऊपर एक ना प्रेशर है कि उसने डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है या उसने आर्मी में जाना है, मतलब 2-3 प्रोफेशन उन्होंने पकड़ लिए, उसमें ये जो सुसाइड का ट्रेंड है इसीलिए, क्योंकि कंपटीशन आप देखें, अब 1100 में से 1090 नंबर मुझे नहीं पता किस तरह आते हैं, ठीक है ना, हमने भी अपने जमाने में पढ़ा है, और 800 नंबर होते थे, 800-900 का मतलब है 1100 में से के वन ऑफ द ब्रिलियंट 92 नंबर, 8 नंबर या 6 नंबर घाट, अब 1092 नंबर कैसे आ सकते हैं, ठीक है, उसमें फिर बच्चे डिप्रेस हो रहे हैं, अब वो मुझे नहीं पता किस नंबर जो लेने वाले हैं। नंबर तो घन घन गाल, एक रिसर्चर क्यों नहीं बन दे, क्यों नहीं पैदा करते, आइंस्टाइन क्यों नहीं बन दे, और आप मैं सीएसएस को पढ़ाता हूँ, हमारे सीएसएस के रिजल्ट्स ओवर द इयर्स इतने बुरे आ रहे हैं, बच्चे मार्क्स ले रहे हैं लेकिन वो मार्क्स किधर जा रहे हैं, मतलब उनको आता जाता कुछ नहीं, कुछ नहीं आता, नहीं साइंटिस्ट कोई नहीं बन रहा, रिसर्चर कोई नहीं, यूट्यूबर सारे बन रहे हैं इस ट्रेंड पे चल गए, ठीक है बने, वो भी बने कमाए, लेकिन कोई तो बने ना, यानी कुछ बेनिफिट नजर आवे ना, इस पर रट्टे का ट्रेंड है। आप जो भी की बुक होगी, जो भी बुक्स होती हैं, उसमें वर्ड टू वर्ड जो ऐसे लिख देता है जाके, उसके 20/20 marks हैं, जबकि उसके 0 marks होने चाहिए, उसने उसको कुछ मतलब कंसेप्ट उसका कुछ नहीं लिया, तो अब ये ट्रेंड बन गया, ठीक है, इसको मतलब अच्छा ये टीचर्स है, मैं पिछले दिनों से गाल थी पे कि सारे नंबर तोल तोल के देते हैं आजकल, दिल खोल खोल के टीचर नंबर लेने लग गए, और रीजन ये है कि कमर्शियल थी गई, कमर्शलाइज थी गई एजुकेशन, जिन्हें इदारे ने ज्यादा अच्छे नंबर दिए, जिन्हें स्टूडेंट ने उतना ही एडमिशन ज्यादा दी, फोकस हो सकते, यहाँ तो बहुत ज्यादा पढ़ाई है, अच्छा पढ़ाई को ले दे पैसा, और आदर ना जिमें गधे दे उते बर्डन ला देता है ना, बच्चे होते भी तो किताबों का बर्डन ला देता है ना। अच्छा हम जो है ना, अगर एक टर्म या एक लफ्ज में मैं कहूँ तो हमारी जो स्टडी है ना वो क्वांटिटेटिव हो गई है, क्वालिटेटिव नहीं रही, क्वांटिटी में आ गई है, कितने नंबर, अच्छा अब उसमें क्वालिटी क्या है भाई, उस नंबर के पीछे कुछ, आप मास्टर्स वाले बच्चे को भी कहते हैं ना बेटा एक एप्लीकेशन इंग्लिश में लिख दो, डीसी को देनी है, वो उसके हाथ पांव वो फूल जाएंगे, करना क्या है। अच्छा मैं कैम्ब्रिज सिस्टम में भी पढ़ाता हूँ, एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, अभी हमारे जो पंजाब के एजुकेशन मिनिस्टर, उन्होंने भी कहा कि ये सिस्टम, ये नंबर कैसे आ सकते हैं, जिस हम बात कर रहे हैं ग्रेडिंग सिस्टम है वहां पे, अच्छा और वो जो ग्रेडिंग है ना एब्सोल्यूट नहीं, वो रिलेटिव है, वो रिलेटिव किस तरह है, एक पेपर बनेगा, उसके बाद उस पेपर में जो बच्चा सबसे ज्यादा मार्क्स लेगा ना उसका ए ग्रेड है, ठीक है, अच्छा उस, और फिर ये रिलेटिव है, फिर वो नीचे आता जाएगा ए बी, फिर वो बाउंड्री बनाएंगे कि यार ए इतने पे बी इतने पे, इसको परसेंटाइल भी परसेंटाइल कहते हैं। अच्छा इसमें
अब मैं ए लेवल को पढ़ाता हूँ, जो सब्जेक्ट मेरे सब्जेक्ट में, मैं हकीकत बता रहा हूँ, जिस परसेंट पे ए आता है ना वो है 72%, 72% पे बच्चे का ए आ रहा है। अब हमारे यहाँ अगर मैं यही मैट्रिक वाला सिस्टम कर दूं तो उसमें तो मतलब 99.9% पे जो है ना वो बच्चे का ए आता है। और ये जो बच्चे हैं 1092 नंबर घिरने वाले, ये ही बच्चे जो जॉब वास्ते आए थे, छोटा जि टेस्ट जो होंगे वो भी क्लियर नहीं करता, नहीं होता और पता नहीं वो किताबों को किवे रट्टा ला चुके हैं, किवे एग्जाम ले चुके हैं। आपने एग्जाम से ना क्रिएटिविटी निकाल दी। हमारे जो दुनिया की लीडिंग फिनलैंड का एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा है, और यूरोपियन दो तीन कंट्रीज हैं उनका अच्छा एजुकेशन सिस्टम है। हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु वाली बात है, 7 साल की उम्र तक तो वो पढ़ाते ही, उनका तो है वो, उनका वो होता है, लेकिन वो प्ले का, वो खेलने का वो ज्यादा होता है। हम बच्चे को 2 साल 3 साल की उम्र में आजकल स्कूल में डाल रहे हैं। मुल्तान में बीसियों, आपको पूरे पाकिस्तान में बीसियों स्कूल है। मेरे ख्याल में हम बच्चे को अच्छा, और बचपन से ही फेयर में बेटा पढ़ोगे नहीं, मुझे पता है 3 या 4 साल का बच्चा ये बात समझ सकता है कि मैं नहीं पढ़ूंगा तो मेरे साथ ये होगा। हमने उसे शुरू से ही ना एक गेम में डाल दिया कि आपने ये करना है। मेरे ख्याल में एजुकेशन अर्ली वाला जो कॉन्सेप्ट है ना वो भी एक वो आप अच्छा देखें, फिर जो वर्किंग वुमेन है या जो जहाँ पे आप बच्चों को वहां पे मॉन्टेसोरी इस तरह के वहां सिस्टम में डालें जहाँ बच्चे खेलें, स्ट्रेस कम हो, बच्चों की क्रिएटिविटी। अच्छा अब आप देख ले पिछले 30 सालों में हमने कौन सा बड़ा शायर प्रोड्यूस किया, आप मुझे एक नाम बताएं, फैज के मुकाबले का, इकबाल के मुकाबले का नहीं है। अच्छा बाकी जितनी भी फील्ड्स हैं, कौन सी इन्वेंशन हुई है पाकिस्तान से, हम कहें यार हमारे फलां साइंटिस्ट। अभी हम यूट्यूब चैनल्स की बात कर रहे थे ना, यूरोप अमेरिका के बच्चे साइंस पढ़ते हुए साइंस के एक्सपेरिमेंट्स यूट्यूब पे दिखाते हैं कि हमने ये किया है। हमारे यहाँ एंटरटेनमेंट से हट के यूट्यूब पे है ही कुछ नहीं। अभी सिर्फ हमने कुकिंग की बात की ना, कुकिंग या मेकअप, ये 2-3 चीजें हैं जो हम आती हैं, बाकी साइंस में कौन कौन सी फील्ड्स हैं, क्या हो रहा है। अच्छा वो बच्चे क्यों नहीं कर पाते, उन्हें जब रट्टा लगवाया गया उन्हें तो चीजों का कॉन्सेप्ट ही नहीं समझा। अच्छा फिर दूसरा 5 साल पेपर और गाइड बुक्स इन्होंने जो है ना वो सारा किया, फिर ये पैटर्न है, इस चैप्टर से क्वेश्चन आएंगे, इनको रट्टा मार लें आपके मार्क्स आ जाएंगे। तो थोड़ा सा जो फ्लॉ है ना, थोड़ा सा पंजाब के एजुकेशन मिनिस्टर ने कोशिश तो की है, लेकिन थोड़ा सा रिवाइव करें, और ये रिवाइव वो सर्जरी वाला रिवाइव है कि फॉरन गए नहीं, इस तरह नहीं होगा। अभी देखें वो कह रहे हैं 2020 से एजुकेशन जो है ना वो अब उर्दू में देना शुरू कर दें, पिछले 10-15 साल से हमारा इंग्लिश में था, वो नहीं हुआ। अब दोबारा वो कह रहे हैं जी प्राइमरी तक उर्दू, हम अभी तक यही नहीं डिसाइड कर सके हमने उर्दू में पढ़ाना है, इंग्लिश में पढ़ाना है, अब चाइनीज भी। मैं पिछले साल चाइनीज की मैंने कुछ, हमें पाकिस्तानियों को मैं सोच रहा था 6 जुबानें हैं कम अज कम जिन पे हमें वो करनी पड़ती है। एक मादरी जुबान आपकी होगी फौरनी अरबी, कुरान मजीद आपने पढ़ना आता है, उर्दू आपने, वो इंग्लिश आपने, अब चाइनीज क्योंकि सीपैक वो आ गया, तो 5-6 जुबानों मतलब हम वो जो बाउंसिंग बॉल्स के हम वही कर रहे होते हैं। तो आप किसी एक लैंग्वेज में उर्दू अच्छी कर ले, पाकिस्तानी को बाहर जॉब नहीं मिलती, इंग्लिश अच्छी कर ले पाकिस्तान में नहीं मिलती। जब से बिजनेस बना है ना, जब से एंटी ट्रस्ट आया था, मतलब एक वैसे मैं पॉइंट आउट करूं, उसने बेड़ा गर्क कर दिया। एकेडमीज बनी तब उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया, उन्हें एकेडमीज ने कॉलेजेस बना लिए हैं, ठीक है। अच्छा एंट्री टेस्ट कोई खत्म थी वहां देखिए एफएससी होना चाहिए, लेकिन वो माफी है ना खत्म नहीं होगा, इसके पीछे बड़े बड़े लोग बैठे हैं, उनके बिजनेस है, करोड़ों के बिजनेस है, तो वो खत्म नहीं इसको होने देंगे। एक बच्चा स्टार्ट करता है बचपन से लेके एफएससी तक वो पढ़ के आता है, ठीक है, मैट्रिक के परसेंटेज होनी चाहिए, ठीक है वो सही है, एफएससी की होनी चाहिए, लेकिन जो एंट्री टेस्ट है ना ये सिर्फ एक बिजनेस बन गया है कि कौन पैसे दे सकता है। वो क्रैश टेस्ट रखते हैं, दूसरे टेस्ट रखते हैं, उनमें वो हजारों रुपए लेते हैं बेचारे गरीब लोग, ज्वाइन करने तैयारी करने और मवेशी बेच के, जमीने बेच के जो लोग लाते हैं बच्चों, और एंड पे कुछ नहीं निकलता और बच्चा डिप्रेस हो जाता है। तो ये एफएससी मैट्रिक जो है इसी को इतना अच्छा बनाना चाहिए और आगे से, ताकि मिनिमम जो आपका एक्सपेंडिचर है ना उसके अंदर मैक्सिमम आपका आउटपुट निकले, तो ये चीज देखनी पड़ेगी। अच्छा मार्केट दे नाल अगर ऐसा गाल करना है, क्योंकि ऐसा जॉब क्रिएटर कहने से इतना, अगर कोई भी ऐसा चीज दे दें जी इंजीनियर जैसे बहु हैं, एमबीए कर एक दौर चला, इतने लोग एमबीए कर चुके हैं, मास्टर है, डबल डबल मास्टर थी चुके हैं, उनके बाद कोई भी जॉब नजर नहीं आती, अक्सर टीचर ही पढ़े दे नजर आने से वाला आदत नहीं, ऐसा तो बाय चॉइस आए हासे, अक्सर एक्सीडेंटल ही आने थे टीचर। पहले होंगे कि वे फील्ड ट्राई करे सो नहीं मिलती पई, जिम्मे टीचर अगर मेडिकल विच भी नहीं थी, एंट्री टेस्ट फ्लॉप थी, तो ये टीचिंग दे प्रोफेशन विच ही आवने गुना ने क्या कोई समझ नहीं आता। ये टीचिंग का जो प्रोफेशन है ना ये इतना मुकद्दस पेशा और होना ये चाहिए कि जो आपकी क्रीम होनी चाहिए टॉप, आपके जो ब्रेन है वो टीचिंग में आने चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, जो जिस तरह आप बता रही है जो कहीं उसको जी टीचर लगा दो, ये बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट है। दूसरा जो एक प्राइवेट स्कूल माफिया ने इस वक्त बेड़ा गर्क करके रखा हुआ है एजुकेशन सिस्टम का, हर गली के अंदर 3 स्कूल खुले हुए हैं, यहाँ से आप कहीं एमिरेट्स लिखा हुआ है, कहीं लाइट स्कूल लिखा हुआ है, नाम नहीं लेते, नहीं वो करते क्या है, फ्रेंचाइज नाम नहीं लेते चले,
वो गलत होगी। देखिए फ्रेंचाइज लेते हैं, जाहिर है पैसों से फ्रेंचाइज उन्होंने ली, उसके बाद वो टीचर्स को इतना जलील करके रखते हैं, उनको 4-5 हजार पे करते हैं। आजकल के दौर में 4-5 हजार एक क्राइम होना चाहिए, तो गवर्नमेंट को ये चाहिए कि उनको बाउंड करे कि जो टीचर है ना उसकी कम से कम पे 30-40 हजार प्राइवेट में भी कम से कम। बहुत सारे टीचर्स ऐसे जो मिडिल पास टीचर, उन्होंने मैट्रिक स्टूडेंट है मैट्रिक दे, उनको पढ़ाने पे आने थे, मतलब ये भी है ना। तो ये बिजनेस माफिया जो है ना प्राइवेट स्कूल का, इसने एजुकेशन सिस्टम को तबाह कर दिया। नहीं, ये बात बिल्कुल ठीक है। दूसरा जो बुनियादी बात है वो हमारे एजुकेशन सिस्टम में बहुत सारी इस्लाहात की जो है ना वो जरूरत है, क्योंकि जब तक हम वो नहीं करते, हम बहुत सारी हम करते रहेंगे चीजें, वही है कि कुएं में कुत्ता गिरा पानी निकाल रहे हैं, पानी जितना मर्जी निकाल रहे हैं साफ नहीं होगा, आपको जो रूट कॉज है ना उसको पकड़ना होगा। तो हमारे एजुकेशन सिस्टम के जो बेसिक फ्लॉज हैं, अभी मार्क्स वाली आप ये देखें कि कितनी हुकूमतें चली गई और पहले एजुकेशन मिनिस्टर को पता चला कि इतने मार्क्स आए हैं और उसने कहा है कि ये हैरान हो। और ये आप और एक और पॉइंट ये है, ये तो शुक्र है मार्क्स आ गए, उन्हें पता चल गया, और पता नहीं कितने एजुकेशन में मसले हैं जो उन्हें नहीं पता, जो अभी उनके नॉलेज में आने हैं। तो मैं तो वो मेरे दोस्तों से ये डिस्कस कर रहा था कि यार ये तो चलो रिजल्ट आ गया तो पता चल गया, वरना जो है ना और ब्रेक आ गई पता चल गया हमें। वेलकम बैक नाजरीन, खुश आमदीद, ऐसे तो आपको सवेर दे रहा है भाई, बहुत जनरल डिस्कशन थी चुकी है, हम तो ही फेवरेट जड़े चीज़ें हैं जड़े तेरे पसंदीदा लाइफ विच, मैं उन्हें हवाला भी जानना चाहता, मैं एक नवा सेगमेंट स्टार्ट किए कि कई भी पर्सनैलिटी की फेवरेट फेवरेट चीज़ें कड़े कड़े चीज़ें फेवरेट याद करे, सो टीचर होने हर सारे और सब्जेक्ट थोड़ा इन तरह का बचपन याद करने हैं, ठीक है। फेवरेट टीचर, मेरे टीचर थे गुलाम हुसैन मरहूम साहब, हमारे टीचर थे स्कूल में, उन्हें मैं फेवरेट इसलिए कहूंगा, मैं मेरी फिफ्थ में मुल्तान डिवीजन में फर्स्ट पोजीशन आई उनकी वजह से, और उन्होंने हाई थोड़ी मेहनत है, वर्क है, या उस्ताद का ही वर्क है या डंडा है, क्या है? मैं 100% क्रेडिट उनको टीचर उन्हीं को दूंगा। हाँ। मेरा देखिए बच्चों में चीजें जो भी है ना, लेकिन बच्चे इस एज में 8-10 साल की एज में अपने आप को एक्सप्लोर नहीं कर पाते, तो मेरे को मेरे टीचर ही होता है जो कि सही उसको जो है ना, तो मेरी 92-93 में फर्स्ट पिक्चर जो है ना वो अखबार में आई थी, और उस पोजीशन की वजह से, और आज तक मैं NTS का कंट्री टॉपर भी हूँ, बहुत सारे टेस्ट में मैंने टॉप भी किए, जो कॉन्सेप्ट्स मैं इस्तेमाल करता हूँ वो वही हैं उन्होंने मुझे पढ़ाए थे, स्पेशली मैथ्स में, तो मेरी मेंटल मैथ्स और बेसिक मैथ्स है ना, तो मैं उन्हें को क्रेडिट दूंगा। सही, फेवरेट टीचर मेरे हाँ, मेरे जो फेवरेट टीचर हैं वो अगर बताऊं मेरे वालिद साहब भी हैं, ठीक है माशाल्लाह। हाँ जी, उन्होंने बचपन से लेकर और फिर स्कूल में भी और FSC लेवल तक वहीं पर वो मतलब टीचर, प्रोफेशन भी टीचिंग था ना, तो बचपन से जिस तरीके से उन्होंने मुझे मोल्ड किया ना चीज़ों की तरफ, जब मैं फिफ्थ क्लास में था तब मैंने नसीम इजाजी की बुक्स पढ़ना स्टार्ट की, डॉक्टर नसीरुद्दीन की, जो हिस्ट्री थी हमारी इस्लामिक हिस्ट्री, ठीक है, कुरान शरीफ के बाद उन्होंने जब इस्लामिक हिस्ट्री मुझे दी तो मैं इस तरह से पढ़ता होता था कि मैं उसके ऊपर खाना भी नहीं खा सकता था। अच्छा। मतलब इतनी ज्यादा मैं बुक्स पढ़ता था, क्योंकि हमारे घर में बुक्स ही होती थी, बुक्स रीडिंग। मेरे वालिद साहब को इतना शौक था बुक्स का कि वो कहीं भी जाएंगे तो उन्होंने बुक्स लेके आनी है, किसी के घर मिलने जा रहे हैं एक दो बुक्स उनके पास है, अखबार, रेडियो, जिस जमाने में मतलब टीवी कम देखा जाता था तब से उनके पास एक रेडियो था, उस पर वो उनको 7-8 लैंग्वेजेस आती थी, इंग्लिश भी, जर्मन, इंग्लिश तो उनकी वैसे प्रोफेशनल भी उसमें था, MA इंग्लिश उन्होंने किया हुआ था, तो इंग्लिश, जर्मन, अरेबिक, कुरान शरीफ जब चलता था तो वो उनको जैसे हम उर्दू नहीं पढ़ रहे होते वो उस तरह से बताते थे कि क्या कह रहे, फिर तफासीर उन्होंने बहुत पढ़ी हुई थी, तो मेरे वालिद साहब ने शुरू से मुझे बुक रीडिंग की तरफ भी लेकर आए। उसके अलावा भी उनका जो माइंड था ना, क्योंकि वो लिंग्विस्टिक्स में थे, एक ब्रॉड माइंड था, मुझे, मेरी 4 सिस्टर्स हैं, हम सबको उन्होंने ना फ्री हैंड दिया हुआ था कि जो भी प्रोफेशन आपने चूज करना है आप उसमें जाएं, ठीक है, जिस तरह से आपको वो, इस लिहाज से जो उन्होंने मेरी बेस बनाई ना, उसके बाद भी मेडिकल का भी, मेडिकल का भी उनको उन्होंने, मतलब बुक रीडिंग की बात है ना, कोई बुक पढ़ लेते थे, और इंटरनेट जब से आया, इंटरनेट पे भी इतनी उन्होंने ब्राउजिंग, उनका अपना बना हुआ पेज भी बना हुआ था, उस पर भी उनके स्टूडेंट्स, उनके हजारों स्टूडेंट्स हैं, डिस्ट्रिक्ट बिहाड़ी में सर नजरुल इस्लाम के नाम से, मतलब हर बंदा जानता है उनको तकरीबन, CSS की प्रिपरेशन कराते थे, उसके बाद MA इंग्लिश की अकेडमी बनी जो प्राइवेट कॉलेज से था, तो इस लिहाज से उन्होंने मुझे ऐसी बेस दी कि जब मेडिकल कॉलेज में भी आ गया ना मैं, तो तब भी मुझे कोई मुश्किल होती थी
तो मैं कॉल कर लेता था या घर जाके उनसे समझ लेता था। अच्छा, ऐसे जनरल लेते हैं जो टीचर होने या प्रिंसिपल दे बच्चे होने हमेशा फर्स्ट आते पे और दूसरे लोग बैठे आधे पे उनके यार ये टीचर का बच्चा था टीचर ने यानी हेल्प की होगी। अच्छा नहीं, इसमें क्या होती है यानी कि वो एक रेसिपी उन्होंने जो है ना वो फाइंड कर ली होती है इतना अरसा एक प्रोफेशन में। देखिए आप मीडिया में, आपको मीडिया का पता होगा ऑब्वियसली माशाल्लाह इतने अरसे से, बिल्कुल जो टीचर है ना वो उसका एकेडेमिया में ही सारा कुछ वो गुजर रहा है तो उसको वो की कुछ चीजें मिल जाती हैं कि अच्छा ये अब मैं यूनिवर्सिटी में और ए लेवल्स को पढ़ाता हूँ, मैंने अपने बच्चे का ना वो सोचा हुआ कि यार ये चीजें मैंने ना इन चीजों को। अच्छा मैं वैसे बता दूं, बात लोग सुन रहे हैं इसमें, इंग्लिश और मैथ्स दो ऐसी चीजें हैं जिन पे आप बच्चों को शुरू से ही सिर्फ दो चीजें, कोई और सब्जेक्ट नहीं कह रहा, इंग्लिश और मैथ्स इन पे मेहनत करें, लैंग्वेज अच्छी होगी, साइंस में भी अच्छा चला, कहीं मार नहीं खाएगा कहीं मार। और मैथ्स एक स्किल है वो लाइफ में आपकी डिसीजन मेकिंग बड़ी अच्छी कर देता है। ये सिर्फ दो चीजें हैं, इन पे आप बच्चों का इंग्लिश और मैथ, बाकी उर्दू इस्लाम में पाक स्टडी कुछ नहीं मैं कह रहा। देखें जितने आपने ये कहना आपका बच्चा भी उतना ही होगा, उससे कम भी वो हो जाएगा, लेकिन इंग्लिश मैथ की बात करें ना ये बहुत ही बेसिक बात है। आप नेक हैं, बच्चा उतना ही होगा, ज्यादा हो जाए ना वो नहीं करना सिर्फ, लेकिन इंग्लिश और मैथ्स इन चीजों पे, इंग्लिश पे तो आपके अगर आपके बच्चों की इंग्लिश आती है वो अमेरिका पूरी दुनिया ओपन है जी, कहीं भी जा सकते हैं, इंटरनेशनल लैंग्वेज है। मैथ्स अगर आती है उसकी डिसीजन मेकिंग और उससे फील्ड्स बड़ी निकलती हैं आपका, लाइफ इज अ मैथ बेसिकली, बिल्कुल ऐसे ये दो स्किल्स हैं, बच्चे सिर्फ इन दो पे काम करें, बाकी एडिशनल आपका बच्चा उर्दू में वीक है मैं कहता हूँ बहुत अच्छी बात है। उसकी वजह पता है क्या है, कल को जब अच्छी जॉब मिल, इवन सीएसएस करना है ना उर्दू नहीं काम आएगी, उर्दू है ही नहीं सीएसएस, तो बेशक हमारी नेशनल लैंग्वेज है लेकिन हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज भी तो इंग्लिश है ना, हम ये भी देखें। इसलिए बता रहे हैं ना उस तरह बच्चे के ऊपर तवज्जो देना बहुत जरूरी है, टीचर एज प्रोफेशन जो आपका टीचर है ना, आजकल होता क्या है कि जो अब मोस्टली 90% टीचर्स हैं वो कमाने में लगे हुए हैं, ठीक है, नंबर तो बच्चों को वो दिलवा देते हैं लेकिन उनको प्रॉपरली जो कंसेप्ट और वो चीज नॉलेज के लिए नहीं होता। तो एक टाइम आपको बच्चों का भी देना चाहिए, घर में 2-3 घंटे कम से कम पढ़ाना चाहिए विदाउट एनी टाइम लेता, और इन दिस बुक रीडिंग दी हैबिट रीड वेल थई थी वाले दी कोशिश ना थई ना ही नाजन चल दे पे छोटी ब्रेक तक थई ना सर ना वेलकम बैक नाजरीन, खुश शामदीद सवेल देंगे। और मैं जानना चाहता जनाब के फ्री टाइम क्या शुगल हैं, क्या कर रहे हैं जी आजकल फ्री टाइम गुजरता पे, क्या मूवी देते हो, क्या कर रहे हो, या फैमिली टाइम है बेगम मतलब मूवी देखने नहीं देती हो या बच्चे? हाँ पहले तो ये था ना जब मैं ड्यूरिंग स्टडीज मैं हॉस्टल में राजधानी स्टर में, तो तब तो ये जो सीजन ड्रामाज मूवीज बस दोस्त बैठते थे कभी इकट्ठे कभी अकेले बैठ के देखे जाते थे छुट्टियों में। अब ज्यादा मजा आता है, अब इस तरह है कि हम सिनेमा भी जाते हैं इकट्ठे मूवीज देखते हैं मिसेस के साथ और बहनों के साथ भी, और घर में भी हमने अक्सर ही प्लान किया होता है कि रात को जिस तरह से मैं क्लिनिक से वापस आ जाता हूँ क्योंकि आज का क्लिनिक तो है शाम में, वापस आके प्लान करके कि कौन सी मूवी देखनी है वो हम अक्सर मूवी देखते हैं या फिर हम बाहर निकल जाते हैं। कुछ लोग दोस्तों में ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं, फैमिली घट कर रहे थे, अगर उन्होंने पूछा तो दोस्तों में हम खोल के एंजॉय करते हैं मूवी। देखें दोनों की अपनी ना एक अपनी प्लेस है, दोस्तों के साथ उनका टाइम है और उसमें उसका अपना मजा है, लेकिन फैमिली का अपनी रिलैक्सेशन सुनिंग है अपना मजा है, जिसमें बता रहा हूँ आपको मूवीज भी प्लान करते हैं या फिर रात को हम निकल जाते हैं शॉपिंग विंडो शॉपिंग भी कर रहे हो उसका भी अपना मजा आता है, थक के एंड पे खाना कहीं अच्छा सा खाया या फिर लॉन्ग ड्राइव कर ली, ये बहुत ही आजकल जरूरी है कि घर से आप निकलें बाहर जाएं। बहुत अच्छे हस्बैंड है, भाभी तारीफ बनती है सच्ची से, अगर आज के दौर में एक शरीफ बंदा कहे कि मैं अपनी फैमिली को फुल टाइम देना और विंडो शॉपिंग करने हैं और चाहे शॉपिंग करें लेकिन एंजॉय करने हैं अपनी फैमिली वास्ते टाइम तो बहुत अच्छी है, नहीं तो अक्सर खवातीन मेरी बहनी शिकवा करने नजर आने के दोस्त दोस्त दोस्तों को टाइम ही नहीं मिलता लोगों को। नहीं बिल्कुल ठीक है, काम ही दोस्त नहीं आप बस ये लाइफ, अगर आप मिसेस के साथ अपनी ग्रोसरी और शॉपिंग कर सकते हैं ना तो फिर आपकी जिंदगी में बहुत सुकून रहेगा। नहीं बिल्कुल, आपने वो फेवरेट पूछा तो मूवीज का जो है ना वो बड़ा पहले भी था अब भी, सीजन के सीजन जो है ना मैंने जमाने तालिब इल्मी में फ्रेंड्स होता था एक उसकी 50 में कल में एपिसोड थी बड़ा हिट हुआ 94 से 2004 तक वो चला 10 साल, वहीं से फिर सिटकॉम्स का वो जो ट्रेंड है आजकल नेटफ्लिक्स जो है ना वो एडिक्शन है, तो लोगों ने सब्सक्राइब करवाया होता है एक साल उस पर लोग लगे होते हैं पता नहीं क्या क्या चीजें जो है ना। अच्छा मैंने मूवीज बहुत
बहुत देखी अपना पूरा आर्काइव फोल्डर्स बना के लैपटॉप और हार्ड डिस्क लेके कि जी ये मेरी मूवीज मैं अब उससे थोड़ा सा आगे क्रिएशन वाले प्रोसेस में यार अब कुछ बनाए। अब मैं अपने बेटे के साथ मैंने वो सारा इक्विपमेंट वगैरह चीजें ली हैं, कोशिश करता हूँ कि दोस्तों के साथ हूँ तो फोटोग्राफी वीडियोस वो सारी बना के वो एडिट करके वो डालूं उस पर, और फैमिली के साथ हूँ तो फैमिली के साथ जो है ना, तो मैंने तो बल्कि कार की स्क्रीन पे लगने वाला वो कैमरा सारी चीजें इस तरह की जो है ना, तो मैं इस पे आ गया हूँ कि फैमिली के साथ टाइम स्पेंड हो लेकिन वो महफूज भी हो, फिर आप उसको वो मेमोरीज को जो है ना वो रिकॉल भी कर सकें कि अच्छा हम फलां जगह गए थे। तो अभी मैं 3 दिन पहले ही आ रहा था इस्लामाबाद से, तो मोटरवे को मैंने वो कैप्चर किया, रात ही मैंने बोल गया तो मेरे कुछ दोस्त कहते ये तो यूरोप नहीं है, मैंने कहा वेदर बड़ा अच्छा था, चीजें बड़ी अच्छी थी, वो कैप्चर बड़ा अच्छा, वो बड़ा मजा आया। तो अब मेरा जो पास टाइम है वो आप कह लें कि मूवीज और वो इस तरह अक्सर सारे लोग अपना शहर अपना मुल्क अच्छी तरह नहीं देते, एक्सप्लोर नहीं करते और ऐसा जो लेते हैं तो अच्छा ये सॉरी मैं बड़ी इंपॉर्टेंट बात मेरे जहन से निकल जाएगी आज इस प्लेटफॉर्म से, मैं एक बाइकर क्लब का भी मेंबर हूँ CRC, और हम लोग जो है हमारा 2 अगस्त से लेकर 20 अगस्त तक ईरान जा रहा है पाकिस्तान की हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम, और मुकर्रम खान आपने नाम सुना होगा, तो वो हमारे गुरु हैं, हमारे हेड हैं, उस्ताद हैं हमारे इस फील्ड के, तो वो लेके जा रहे हैं। अच्छा उन्होंने काफला भेजा पे। हाँ जी हम 15-16 लोग हैं, उनमें से एक मुल्तान के, पूरे पंजाब से लोग हैं, तो सैटरडे को अनफॉर्चुनेटली सैटरडे है वरना यहाँ पे भी जरूर हाजिरी देते, मुल्तान हफ्ते वाले दिन उन्होंने गुजरना, मेरे ख्याल में हफ्ते वाले दिन शायद नहीं होता नहीं होता, तो जुमे वाले दिन चलेंगे जी लाहौर से, सैटरडे जो है ना वो वापस यहीं आएंगे। तो ये बड़ा आजकल जो है ना रिक्रिएशन के लिए बाइक्स और मतलब, और मैंने ईरान पहली मरतबा, ईरान पहली मरतबा जा, वैसे तो होता रहता है मुल्तान में रैली, आपने जिस तरह कहा ना मुझे आपकी बात से याद आया कि मुल्तान में इस बाइक क्लब को ज्वाइन करने से पहले मेरा ख्याल था मुल्तान में कुछ नहीं है, लेकिन इसको ज्वाइन करने के बाद मुझे लगा कि मुल्तान और साउथ पंजाब में इतना कुछ है। मैंने रकनी और फोर्ट मनरू और इसके बीच में इवन आप यकीन करें मुल्तान में बीसियों जगह हैं हिस्टोरिकली भी जिन्हें आप जो है ना वो हम एक्सप्लोर करते हैं, बकायदा हमारी फोटो वॉक्स होती हैं और वो पूरे का पूरा जो है ना, तो बड़ा मजा आता है इन चीजों में। बल्कि मैं यूथ से वो लोग जो देख रहे हैं कि बाइकर्स वो ज्वाइन करें, क्योंकि सारे हमारे जो मुल्तान के हेड हैं डॉक्टर मुजम्मिल निश्तर में होते हैं, वो एमरजेंसी में MBBS डॉक्टर हैं, बड़े बड़े लिखे लोग जो है ना वो बाइकर्स हैं, और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ हमारी एक ये है कि प्रॉपर गैजेट के साथ आप आपने सेफ्टी इक्विपमेंट पहना हुआ होगा और तब आके वो करें, फन भी है एंटरटेनमेंट भी है और बाइक महंगा शौक भी नहीं है। एक जो मेरे भी दो दोस्त हैं इधर ही, पेट्रोल तो डलवाना पड़ता है नहीं, लेकिन बाइक पे मतलब बाइक का बहुत कम है, बाइक बाइक ही चलता है। डॉक्टर जाजिब और डॉक्टर अली ताहिर हैं, मे भी आप उनको जानते हो, वो हमारे इधर ही डेंटल कॉलेज में हैं, वो भी सेम जिस टाइम का है ना शौक, वो भी बाइकिंग का शौक है और वो भी पूरा पाकिस्तान फिरते रहते हैं। तो आजकल जो है ना अब ये वाला ईरान वाला इंशाल्लाह कि अगले साल तक है कि एज कोई मैटर नहीं करेगी, ऐसा आधे कि नौजवान करें इंसान कर सकते हो, निकल सकते हो, एक्सप्लोर कर सकते और करना चाहिए, करना चाहिए। बल्कि मैं तो कहूंगा अब तो खवातीन भी स्कूटीज पे आ गई हैं, थोड़ा सा उनको भी इसको जो है ना, हमारे एक मेंबर थे वो लाहौर से बाइक पे अपनी वाइफ के साथ मुल्तान आए 2 हफ्ते पहले, अच्छी बाइक थी उनकी, तो अब लोग मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया पे फैमिलीज के साथ भी थोड़ा सा सेफ्टी का उसमें ख्याल करना चाहिए, दुपट्टा वगैरह ये वो, लेकिन लोग जो है ना सारे नाल शामिल थे लाहौर तो यमुना भी आए थे, वो भी बाइकर हन पे, और मैं उन्होंने शौक को देख के हैरान थी गई कि चीजें बिल्कुल करनी चाहिए, बिल्कुल जो है ना, देखिए खवातीन पायलट बन सकती है, तो फिर पाकिस्तान में टूरिज्म का वैसे भी हालात काफी बेहतर होने जा रहे हैं, बेहतर हो गए जी, जिस तरह से हम लोग बलूचिस्तान पूरा हम लोगों ने कवर किया अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा जो है ना वो है उस पे, लेकिन मौसम का ख्याल रखना वाला जरूरी है। 15 जुलाई पहले 15 जुलाई के बाद अच्छा देखिए हम लोग ना मीडिया में बताते हैं लेकिन थोड़ा सा लोग नहीं वो करते, देखें पाकिस्तान में आपने नॉर्दर्न एरियाज में जाना ना 15 जुलाई से पहले पहले 15 मई से 15 जुलाई तक चले जाएं बहुत सेफ है, 15 जुलाई के बाद जाएंगे लैंड स्लाइडिंग ये वो, और हर साल होता है, इसमें कोई चीज नहीं है, हाँ इसमें जो है ना अवॉइड करना बहुत कोशिश करेंगे, जितना मना किया गया लोग वाल भी पहने थे और वाल मना किया, इतने होने टाइम तो जब बारिश थे अवॉइड करना चाहिए, चलते छुट्टियां बैक नाजरीन खुश आमदेद, सवेर दर आगे चार पसंदीदा मौसम
ਤੁਹਾਡਾ ਵੈਸੇ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਪਿਆਰ ਤੁਹਾਡਾ? मौसम तो मुझे तो सर्दियां पसंद है क्योंकि मुल्तान में रहते हैं, हाँ, इसलिए जो है बनता भी है अक्सर ना ऑपोजिट पोल्स वो अट्रैक्ट करते हैं, तो मुल्तान में रहते हैं तो थोड़ा सा वो है कि अब तो ठंड भी कम आती, बीच में स्मोग आ जाती है, लेकिन सर्दियां मुझे थोड़ा सा वो मुल्तान के हवाले से काम देवानल भी, हाँ, क्योंकि यहाँ पे गर्मियों में स्वेटिंग, पसीना, टेंशन, आपको यही होता है कि यार मैं लग कैसा रहा हूँ, मैं दिख कैसा रहा हूँ, मेरी और जो है ना, अच्छा सिर्फ खवातीन कॉन्शियस नहीं होते, मर्द हजरात भी कॉन्शियस होते हैं, देखिए बिल तो मर्दों ने देना होता है ना बिजली के, बहुत ही अपने सही सही बिजली के बिल ज्यादा नहीं, मई जून जुलाई हमारे बच्चों का पसंदीदा मौसम पहुंच गया ना तो अक्सर गर्मियां हैं, क्योंकि गर्मियों जो है लंबे छुट्टियां है वो बड़े इंतजार में होने लगे, सर आप स्कूल के जमाने की गल करे सो या अपने स्टूडेंट देते सात सौ की गर्मियां, वैसे सात को छुट्टियां होंगे नहीं, गर्मियां सर्दियां असर इतना शौक रेंदे बैठे हैं, फिर मेरा पसंदीदा मौसम जो है बरसात का मौसम है, बारिश में सुबह सुबह था आवना ना बड़ा ही मजा आता है, पानी से होते तेरा पसंदीदा मौसम? मेरा पसंदीदा मौसम भी सर्दियां ही है, सर्दियां सर्दी नहीं शुरू से पसंद है वैसे सर्दियां, हाँ। सर्दियों में देखे ना कितना फायदा है, जिस तरह ये बता रहे थे कि पसीना भी नहीं आता, ठीक हाँ। है आप उसमें जैकेट पहन लें, आप उसमें ड्रेस पे ड्रेस अप हो जाएं, इजी है, मतलब आपको टेंशन कोई नहीं है, आपको सेटिंग करने की जरूरत नहीं है, वैसे भी एंजॉयमेंट है। पसंदीदा खाना? पसंदीदा खाना जो मेरा है, खाना तो मुझे बहुत पसंद है वैसे, हाँ, खाने के शौकीन है, इसलिए वजन बढ़ा लिया है जब से शादी हुई है, वजन बढ़ गया है, हाँ अब उस पर थोड़ा काम हो रहा है, कम करने के लिए वॉक स्टार्ट की है, और इस तरह से खाने में मुझे एक तो जो सब्जियों में मुझे भिंडी बहुत पसंद है, अच्छा, हाँ जी वो मैं शौक से खाता हूँ, ठीक है, उसके अलावा अचार गोश्त, अच्छा अचार गोश्त, फिश बहुत पसंद है, मछली, मेरी अम्मी बहुत अच्छी फिश बनाती थी, मुझे पता था, मैं अच्छा पूछने वाली थी अम्मी का खाना अच्छा लगता है हाथ का या बेगम का, और अम्मी की बात उनकी तीन चार डिशेज, हाँ। वैसे वो हर चीज बनाती थी, हाँ। बहुत अच्छी मतलब खाना बनाती थी वो, अचार गोश्त, मछली, व्हाइट चिकन जो होता है, अच्छा, और ये जो है सिरी पाई, सिरी पाई की मतलब पूरे खानदान में मशहूर था कि उनसे अच्छा कोई नहीं बनाता, ईद पे भी सब अपने सिरी पाई ले आते कि भैया भाभी बनाए, और इस तरह था, तो मेरी अम्मी बहुत अच्छी मतलब उनके हाथ में बहुत जायका था, तो इस लिहाज से मुझे ये सब चीजें बहुत पसंद है। और बेगम के हाथ में कितना जायका है, ये है या नहीं है? बेगम भी बिरयानी बहुत अच्छी बनाती है, ठीक हाँ। है बाकी भी चीजें ऐसे तो करी है, सीख रही है अभी, सीख रही है, वो देखे ना मेरी पसंद उन्होंने शुरू से मुझसे पूछ ली थी, तो मैंने उनको बहुत सारी डिशेज बता दी थी, तो उन पे काम चल रहा है, अच्छा काम भी चल रहा है। अच्छा फिर खवातीन का एक ये भी होता है ना कि जब न्यू मैरिड वो होता है तो बच्चों का और वो सारा वो उनकी मसरूफियात भी थोड़ा वो मैनीफोल्ड हो जाती हैं, इसलिए थोड़ा सा जो है ना, फिर ये कि आजकल एजुकेशन का वो है, तो गर्ल्स लड़कियां तो बहुत आगे माशाल्लाह एजुकेशन में है, तो वो पढ़ाई में ही इतना ज्यादा कुकिंग वाले पास से नहीं आ रहा, तो बॉयज नहीं शौक होते हैं, वो मीठे बहुत अच्छा बनाती है मेरी मिसेस, अच्छा वो नई नई डिशेज मुझे तो नाम भी नहीं उनके आते, अच्छा तो वो मीठे की बहुत अच्छी डिशेज उनको आती है बनानी, वो स्पेशली बनाती है जब मूड में अच्छी हो, अच्छा मूड में हो, मूड मूड अच्छा कब होता है उनका? वो रहता है हमेशा ही, लेकिन वैसे जब ज्यादा मूड होता है जैसे संडे हो गया लगता है आपने मुझे नहीं नहीं से जाए आप अपने ये लाइव चल रहा है ना तारा फेवरेट फूड दिया गया मेरी अच्छा वो जिस तरह वो कह रहे थे ना कि वाइट चिकन मिसेस वो बड़ा वो अच्छा वो बनाती हैं, मदर जो हैं वो राइस बिरयानी और वो पुलाव भी बन जो है ना, तो स्पेशलिटी वाइज मैंने वो किया हुआ है ना सेग्रीगेट के लिए, तो वो इस हवाले वो भाई अम्मा ये चीज अच्छी बनाती है बेगम ये चीज अच्छी, हाँ तो हाँ। बेगम जो है वो चिकन बड़ा अच्छा है, और मीठे में भी ऑब्वियसली आजकल भी मतलब हमेशा ट्रेंड है कि खवातीन जो है ना वो मीठा, जैसे मेरी सिस्टर है वो वैसे सऊदी होती है तो आजकल हमारे पास आई हुई है, तो वहाँ पर वो जाहिर जब बंदा अकेला रहता है ना वैसे भी वो कुकिंग करती थी, लेकिन वहाँ उन्होंने जो उनके हस्बैंड है उनके दोस्तों के लिए बहुत खाने बनाए, हर किस्म के मटन भी बनाए, हर चीज बनाई, फिर हर किस्म के जूसेस बनाए, तो जब से यहाँ घर आई है वो हमें हर किस्म के नए नए जूस बना के रोज ट्राई कर रही है, तो ट्राई कर रही है, बहुत अच्छा बनाती है ना, अच्छा है दिल जितना दाई तरीका अच्छा पता है आपको खाने आने चाहिए। अच्छा आजकल खवातीन का ये भी है कि वो जिस तरह अक्सर फैमिलीज बाहर हैं, अरेबिक डिशेज जो है वो भी घर में वो चल रही होती है, इवन मुल्तान में रेस्टोरेंट्स ऐसे जो है ना वो आ गए हैं जो कि इस तरह की आपको कुछ अच्छा आधे हिंद रेस्टोरेंट वैसे बहुत सारे खोल गए लेकिन वो टेस्ट डिवेलप नहीं कर सके माजर के नाल जड़े के साथ साथ अरेबिक खाने की गल करें तो फीका खाना बन रहे थे, इतने वाले वो टिपिकल सब मिसाले ही यूज होने नजर आने हैं, नहीं नहीं यहाँ पे भी फीका, यहाँ पे भी फीका है लेकिन फीका हम नहीं खाते, हम नहीं खाते, वो डिमांड नहीं है बेचारे का, बिकता नहीं है ना, जिसे हम चाइनीज फूड कहते हैं वो तो चाइनीज खाते ही नहीं है। अभी मैं लाहौर इस्लामाबाद में गीगा वहाँ पे सारे वो चाइनीज वो शॉपिंग वगैरह
जो चीज उसने सारी सब्जियां ली हैं, उसने गोश्त वाला कोई सीन ही नहीं था, सब उसने वो जो है ना वो वेज, मैंने कहा यार ये या इसको तो मसाले और इस तरह की चीजें लेनी चाहिए थी, लेकिन वो वेजिटेबल जो चाइनीज हम खाते हैं ना, वो नहीं, चाइना वाले वो नहीं खाते। चिकन चाउमीन कल खाया हमने बाहर गए हुए थे, वो इतना स्पाइसी था हम थोड़ा सा लोकलाइज कर लेते हैं डिशों को, ताकि जो है ना हमारे टेस्ट बर्ड जो है उनके मुताबिक हो रहे हैं। हमारे अक्सर लोग जो हज पे जाते हैं वहाँ जाके बड़ी शिकायत करते हैं यार फिक्का खाना, वहाँ गए फिक्का खाना नहीं मिल जाता है, मिल जाता है, मिल जाता है देगी खाना जिस शौक न खाने नारे उठे मिल जाते अक्सर लोग लाभ घिरा चाहिए, नुकसान भी है तो पता है उठा हजम नहीं थी ना पे उठे तो लोगों को बड़े स्टमक प्रॉब्लम और पेट दे मैं तो जितना मनो हूँ इलाके का खाना खावा की आदत बनाओ फीके खाने ना तरह ना पेट हाजमा दुरुस्त रहा है क्योंकि ऑयल लोग घट यूज करें ज्यादा बॉइल्ड और हेल्दी भी बेसिकली हेल्दी फूड यही है। हम तो हेल्दी नहीं खाते ना, हमें तो असल में टेस्ट हमारा डेवलप हो गया स्पाइसी ऑयली हम वो खाते रहते हैं। मैं बल्कि हाँ ऐसी बिल्कुल है, मैं सोच रहा था कि मुल्तान में या पाकिस्तान में जितने भी फूड आउटलेट्स हैं किसी पे किसी भी होटल पे या ढाबे पे हेल्दी फूड नहीं अवेलेबल। आप अगर एक आदमी शुगर पेशेंट है ना वो कहे यार मेरे लिए कुछ ऐसा वो के तो उस तरह की बेकरी आइटम्स इवन मुल्तान में तो बहुत कम है बेकरी आइटम्स, वो ब्राउन ब्रेड ही रह जाती है एंड पे ना कि यार ये खा लो या कोई बिस्किट चंद एक बिस्किट या जहां अवेलेबल है वो कॉस्टली भी है। बाहर बाहर शुगर पेशेंट या हार्ट पेशेंट के लिए जो चीजें अवेलेबल है वो टेस्टी भी है, मतलब उसमें टेस्ट भी है। हमारे जो बेचारे जो बेचारा पेशेंट है वो यखनियों पे और इन चीजों पे बेचारा हम डाल देते हैं, बहुत कमजोर हो जाता है, बहुत कमजोर हो जाता है क्योंकि वो खाने में अट्रैक्शन ही नहीं है ना, जब खाने में सब कुछ ही निकाल लिया तो फिर उसको वो क्या होगा। इसलिए परहेज भी नहीं करते ज्यादा, परहेज इसलिए नहीं करते क्योंकि अल्टरनेट्स हैं। तो मेरे ख्याल में अब देखें पाकिस्तान में हर पांचवा या छठा जिस तरह आप बता रहे थे शुगर पेशेंट है, तो इधर भी थोड़ा सा जो है ना फूड आउटलेट्स पे भी सियासत इज इंटरेस्ट है, सियासत पे बहुत ज्यादा जी है ना, सारा मुल्क सियासी ही सियासी है। ये तो अभी जो रिसेंटली आपने देखा है 2013-11 से बाद इमरान खान ने जो शऊर दिया लोगों को, तो सियासत अच्छी चीज है, मतलब जब तक उसको सियासत तक रखें बहुत अच्छी चीज है। हाँ पर्सनल ना हो लेकिन ये जरूरी चीज है, ये जो शऊर मिला है मैं तो ये कहूंगा कि इससे बहुत फायदा हो भी गया है और मजीद भी इंशाल्लाह होगा और हमारा मुल्क बेहतरीन हो जाएगा। दूसरा ये सियासत में वो जो हम कहते हैं ना कि बस्ती बस्ते बस्ते बस्ती है, सियासत में ये नहीं हो सकता कि आप एक साल दो अब एक टेन्योर दें उसके बाद आप जो है ना वो कमेंट कर सकते हैं, उससे पहले तो अभी तक तो कुछ नहीं। अगर सोशल मीडिया देखो तो वो भी सियासत नाल ही भरी हुई नजर आ रही है, कहीं लानत है कहीं कुछ है और कहीं अजीब हम मीडिया में बैठे हर घंटे बाद जो है ना वो ब्रेकिंग न्यूज वो आ रही होती है ना, सोशल मीडिया को भी ना अपने लिए कुछ चाहिए होता है। देखे ना मीडिया भी क्या कहते हैं बम कैसे फटा आपने क्या पहना हुआ था, अब ये सहाफत खत्म हो गई है, अब सिर्फ रेटिंग है और टाइम पास उन्होंने करना है। ये इस पे भी वो टिकटॉक और वो बने हुए हैं ना बहुत ज्यादा कि एंकर्स क्वेश्चन ऐसे करते हैं कि और फिर उनका तलफ्फुज एक जमाने में पीटीवी था, लोग पीटीवी से अपनी उर्दू ठीक करते थे और इंग्लिश एंकर को देख के अपनी इंग्लिश ठीक करते थे, अब तो बेड़ा गर्क हुआ है जो जबान इस्तेमाल हो रही थी। थोड़ा चेंज भी आया था लेकिन कुछ बेहतर भी है चेंज, कुछ मजीद इधर पे वर्क करने की जरूरत है। देखिए हम पहले चेंज की बात कर रहे थे, अब चेंज आ रही है, अब हम कह रहे हैं कह रही है क्या हो रहा है, हर आदमी ना चेंज करना चाहता है लेकिन अपने आप को नहीं, बाकी दूसरों को। वो कहता है मोहल्ला लोग एनवायरमेंट शहर मुल्क बदल जाए मैं ना बदलूं, तो जब हम अपने पे आती है तो ऑब्वियसली देखें अभी हम बात कर रहे थे ना वेट कम करें, मेहनत लगती है जोर लगता है ना उसपे तकलीफ होती है ना, आप कौन बंदा अपने बिस्तर से उठ के जाना चाहता है कि यार मैं वॉक करूं सारा कुछ, बड़ा मुश्किल है। चेंज करना है ना आपने अपने आप को। अच्छा बिल्कुल इसी तरह जो स्किनी है जो उसको भी एक्सरसाइज के थ्रू ही ना उसने वो करना, उसमें भी मेहनत चाहिए, तो अगर आप चेंज करना चाहते हैं उसके लिए आपको सुबह जल्दी उठना पड़ेगा, वॉक पे या जिम पे जाना पड़ेगा। ये एक फर्द की एग्जांपल, एक आदमी ने अपने आप को चेंज करना, तो यार अगर एक मुल्क ने और एक कौम ने चेंज करना है तो फिर कितने लोगों को चेंज करना, लेकिन अपने आपको फर्द अदन है कृषि तवल इंफरादी तौर पर हर बंदा चेंज कर सकता है ना कि पढ़ाई करो बुरा लगता है बहुत, वैसे ही इस वक्त जो इमरान खान कह रहे हैं कि टैक्स दो तो बुरा लगता है लेकिन इंशाल्लाह बेहतरी आएगी। थैंक यू जनाब, बहुत शुक्रिया तसल्लुब तशरीफ घेन के, डॉक्टर तलहा शरहान तलहा बहुत शुक्रिया तशरीफ घेन के और बहुत इन्फॉर्मेटिव में आ गया आज रहा सारा प्रोग्राम, सनफ तारिक वाल साहब हन तौरा बहुत शुक्रिया तशरीफ घेन के एंड ते क्या मैसेज वैसे तारिक साहब। मैं यूथ को एक तो आजकल मौसम के लिहाज से हमने बात की पेरेंट्स जो है वो केयर करें, दूसरा यूथ को अपने आप को पहचाने, इकबाल ने जो कहा था खुदी का कॉन्सेप्ट अपने आप को देखें, सेल्फ अवेयरनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है,
स्पेशली टीनेज में कि आप किस प्रोफेशन के लिए किस चीज के लिए बने, भेड़ चाल में ना जाएं। बहुत इंजीनियर्स हो गए, बहुत एमबीएस प्रोड्यूस कर लिए, मार्केट में अब उनकी खपत नहीं है। और बहुत सारी फील्ड्स हैं, आईटी की बहुत सारी फील्ड्स हैं, तो कोशिश करें अपने आप को पहचाने, उसके बाद अपना प्रोफेशन चूज करें। और कोशिश करें कि सियासत जो है उस पे कमेंट तो जरूर करें छोटी मोटी, लेकिन लोगों को टाइम दें, पर्सनल ना हो और अपनी लैंग्वेज का। और दूसरा, अपने सियासत की, सियासतदानों ने जो है जो देना या नहीं देना, आपके रिश्ते खराब हो जाते हैं, उससे फायदा नहीं है। बिल्कुल, उनकी ज्यादा इम्पोर्टेंस है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया जनाब डॉक्टर तलहा। छोटा या मैसेज? मेरा मैसेज ये है कि बस खुश रहें, खुशियां बांटते रहें और मुस्कुराते रहें, और मुस्कुराने के लिए दांतों का ख्याल रखें। अच्छा, मेन फोकस ये है, डॉक्टर ने तो ये आगे डेंटिस्ट है, अपने दांतों का ख्याल रखें, अच्छा ब्रश इस्तेमाल करें और वक्तन फवक्तन तो साफ डेंटिस्ट को लिखें। इधर हाल ही दे सो आयशा को इज्जत, अपना ख्याल रखे सो, ढेर ढेर सारा ख्याल रखे सो, अल्लाह सोने दे हवाले।